good morning all everyone good morning hope you are doing good <clears throat> yes friends good morning please check audio video quality यस फ्रेंड्स जल्दी से चेक कीजिएगा सर आज क्रिसमस <laughs> है आज मैरी क्रिसमस हाँ टी शर्ट आज क्रिसमस है छुट्टी आज छुट्टी के दिन आपका क्लास ले रहा हूँ आपको परेशान कर रहा हूँ वॉइस क्लियर है यस मैंने ऑलरेडी चेक किया इसलिए आपको दो मिनट एक्स्ट्रा लिया था मैंने मेरी क्रिसमस ऑल गुड जल्दी उठा दिया फिर भी मैंने आठ बजे का एट फिफ्टीन डाला था टाइम सो दैट मैक्सिमम कैन ज्वाइन मेरी क्रिसमस ऑल डीयर चलिएगा सर शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स गोइंग टू स्टार्ट विथ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दू आज का आपका लास्ट लेक्चर थियरी का है ठीक है ऑलमोस्ट वे आर गोइंग टू फिनिश दिस टॉपिक कुछ क्वेश्चन बच जाएंगे ठीक है जो अगले टॉपिक के रिलेटेड तो जैसे अगला टॉपिक कंप्लीट होगा जैसे कुछ क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के रिलेटेड है मैथड्स ऑफ कॉस्टिंग के रिलेटेड है ठीक है तो ये क्वेश्चन फिलहाल एक चार या पांच क्वेश्चन पेंडिंग रहेगा थियोरी में वो हम लोग जैसे ही बाकी टॉपिक कंप्लीट होएगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे तो आज हमारा आ, लास्ट लेक्चर है थियोरी का इसके बाद जबरदस्त फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर से अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट होएगा वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रैक्टिकल में बहुत ही ज्यादा मजा आता है ठीक है नो डाउट थियरी में भी मजा आता है क्योंकि थियोरी भी लॉजिकल है लेकिन फ्रेंड्स प्रैक्टिकल में जैसे ही अपना सम सॉल्विंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको आएगा तो और आपका इंटरेस्ट ये सब्जेक्ट में बढ़ता जाएगा ठीक है तो चलिएगा फ्रेंड्स रिवाइज करते हैं जल्दी से चलिएगा जल्दी से स्टार्ट करते हैं वेरिएबल कॉस्ट से शुरुआत करते हैं वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन मैं पहले दो दिन का रिवीजन नहीं ले रहा हूं थर्ड एंड फोर्थ थर्ड डे का रिवीजन ले रहा हूं राइट right, फ्रेंड्स तो काफी सारा रिपीटेशन ऑलरेडी हमने किया है दो दिन मैंने वापस से रिवाइज करके रखा है चलिए वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन और देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट विद द प्रोडक्शन डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर सम एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट लाइन विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते जाएगा नेक्स्ट पॉइंट इज अ फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स इन रेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन ठीक है आपका प्रोडक्शन का और फिक्स कॉस्ट का कोई रिलेशनशिप नहीं है अप टू सर्टन लेवल योर फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स अप टू सर्टन लेवल कुछ लेवल तक आपका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है प्रोडक्शन के कैपेसिटी तक आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगा ओके एंड द इंपॉर्टेंट सेंटेंस अबाउट द फिक्स कॉस्ट इफ यू रिमेंबर चिल्ला चिल्ला के हमने बोला था फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम फिक्स कॉस्ट लाइन अगर आप देखेंगे पैरल टू एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे आउटपुट है कितना भी आप आउटपुट लेके जाइएगा आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो कॉन्स्टेंट रहेगा आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट एक क्वेश्चन है हमारा पेपर थेरी है या प्रैक्टिकल है मेरा इंट्रोडक्शन का लेक्चर देख लीजिएगा आपको समझ जाएगा थेरी कितना है और प्रैक्टिकल कितना है अन की जी ठीक है हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया है वी आर नाउ इन अ फोर्थ लेक्चर सो सारे स्टूडेंट को ये पता चल गया है कि थेरी कितने मार्क्स का है कितने क्वेश्चन आता है मैंने अच्छे से नवंबर 2020 का पेपर भी डिस्कस किया था जहाँ पे थेरी 33 मार्क्स के लिए आया था ठीक है तो वो आप इंट्रोडक्शन का लेक्चर शायद आपने मिस किया है उतना आप देख लीजिएगा आपको पता चल जाएगा थेरी कितना आता है प्रैक्टिकल कितना आता है आगे बढ़ते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट दोनों बिहेवियर है एक वेरिएबल का भी बिहेवियर है और एक फिक्स का भी बिहेवियर है नॉट परफेक्टली फिक्स नॉट परफेक्टली वेरिएबल वो है आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट ओके इसके बाद फ्रेंड्स हमने कल के लेक्चर में बहुत ही अच्छे से ये पांच मेथड डिस्कस किया था जिसमें से एक थियोर मेथड है बाकी सारे आपके प्रैक्टिकल मेथड है हाउ टू बाट सेमी वेरिएबल कॉस्ट इन टू फिक्स एंड वेरिएबल एंड फ्रेंड्स मैक्सिमम स्टूडेंट ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट ये सारे मेथड्स के आंसर एकदम परफेक्ट कल आया था सबसे पहला मेथड हमने डिस्कस किया था ग्राफिकल मेथड ग्राफिकल मेथड क्या है कि ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले एक्स एक्सिस पे वी आर गोइंग टू कंसीडर आउटपुट वाई एक्सिस पे वी आर गोइंग टू कंसीडर कॉस्ट जो जो आपको कॉस्ट दिया है हर एक आउटपुट का ठीक है हर एक आउटपुट एक्स एक्सिस पे देख के वाई एक्सिस के सामने कॉस्ट के पॉइंट हमने प्लॉट किए ग्राफ में देन ठीक है ना पहला पॉइंट पहला क्या था एक्स एक्सिस ड्रॉ किया आउटपुट वाई एक्सिस ड्रॉ किया कॉस्ट देन जो जो आपको आउटपुट दिए थे उसका कॉस्ट भी तो दिया था क्वेश्चन में तो वो कॉस्ट के पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए देन वी ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन कवरिंग मैक्सिमम ऑफ दैट पॉइंट्स और वो पॉइंट जब आपने लाइन ड्रॉ किया इट विल इंटरसेक्ट वाई एक्सिस जहां पे वो वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है ठीक है ना वो आपका फिक्स कॉस्ट लाइन है और फिक्स कॉस्ट है वहां से एक पैरल लाइन ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस पे देन हमने ये चेक किया कि डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट विल बी योर वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे आता है ये हमने ऑलरेडी देखा था टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वान्टिटी तो ये मेथड का आ, हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था दैट एग्जाम्पल नंबर वन कल के लेक्चर में सॉल्व किया था फ्रेंड्स एक या दो स्टूडेंट का आंसर नहीं आ रहा था उनको मैंने यानी गलती के ये हुआ था कि वाई uh, एक्सिस पे जो है वो कॉस्ट उन्होंने स्टार्ट किया था एग्जाम्पल में दो लाख से कॉस्ट स्टार्ट किया तो उन्होंने दो लाख तीन लाख पांच लाख सात लाख लिखा नहीं ना आपको पूरा लिखना पड़ेगा ना वन लाख टू लाख थ्री लाख फोर लाख फाइव लाख सिक्स लाख सेवन लाख ठीक है तो ऐसे डायरेक्टली टू लाख से स्टार्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा ही नहीं राइट तो uh, वो हमने और जो आउटपुट था ट थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड तो एक आपने बराबर से वो प्रॉपरली सीक्वेंस में कंसिडर किया था तो आपका ग्राफ बराबर आ गया उनका क्वेरी सॉल्व हो चुका था मैंने ऑलरेडी वर्कआउट कर दिया उस पर सेकेंड एंड इंपॉर्टेंट मेथड हमने देखा था कि आपको दो पीरियड का डेटा दिया जाता है जैसे कि टू थाउजेंड ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन या फिर जनवरी और फेब्रुआरी ऐसा कुछ आपको डेटा दिया जाएगा या फिर आपको आउटपुट का डेटा दिया जाएगा इसलिए आपको मेथड का नाम आपको चेक करना है कंपेरिजन बाय द पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी कंपेरिजन बाय द पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड ठीक है तो इसमें हमने फॉर्मूला देखा था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला था डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट इससे आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगा एंड इफ यू वॉन्ट टू फाइंड फिक्स कॉस्ट देन टोटल कॉस्ट ठीक है जो आपको सेमी वेरिएबल का टोटल कॉस्ट दिया है उसमें से वेरिएबल लेस कर दो आपको आ जाएगा फिक्स कॉस्ट एज वेल एग्जाम्पल नंबर टू हमने सोल्व किया था इसके बाद नेक्स्ट था आपका हाई लो पॉइंट मेथड हाई लो पॉइंट मेथड वॉज एक्सैक्टली सिमिलर टू दिस सेकेंड मेथड दैट इज लेवल ऑफ एक्टिविटी और uh, जो पीरियड का इंफॉर्मेशन दिया है. बस द पॉइंट इज दैट डिफरेंस क्या है आपको हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल का डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट लेना है जैसे कि अगर ये क्वेश्चन में देखता हूं तो हाईएस्ट लेवल है आपका 60,000 एंड लोएस्ट लेवल है आपका 10,000 तो 60,000 और 10,000 ये लेवल के कॉस्ट का डिफरेंस लिया और आउटपुट का डिफरेंस सिक्सटी थाउजेंड माइनस टेन लिया तो काफी सिंपल था हाई लो पॉइंट मेथड चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट था आपका लीस्ट स्क्वे मेथड ओके अच्छा ली स्क्वेयर मेथड में हमें दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना था इफ यू रिमेंबर इक्वेशन क्या था वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ही वाई क्या था टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट था ठीक है एम क्या था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट था ओके एक्स यानी आउटपुट एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट कंसीडर किया था एंड सी स्टैंड फॉर कांस्टेंट तो आपको दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना था सबसे पहले तो आपका जो सी रहता है वो कैंसिल हो जाता है यू गेट द वैल्यू ऑफ आई गेस एम का वैल्यू आपको मिल जाता है और जैसे ही एम का वैल्यू आपको मिल जाता है वो आप सब्सट्रीट्यूट करते हो किसी इक्वेशन में टू गेट द वैल्यू ऑफ फिक्सड कॉस्ट ओके चलिए ये भी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था एंड लास्ट मेथड था जो थेरोटिकल मेथड था इफ यू रिमेंबर फिफ्थ मेथड था एनालिटिकल मेथड अच्छा एनालिटिकल मेथड क्या था फ्रेंड्स एक्सपर्ट को पॉइंट कीजिएगा ठीक है कॉस्ट के जो एक्सपर्ट है उनको पॉइंट कीजिएगा वो बिहेवियर फाइंड करने की कोशिश करेंगे टोटल कॉस्ट में टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल का पोर्शन कितना और फिक्स का पोर्शन कितना एंड अकॉर्डिंगली आप वर्कआउट कर सकते हो तो ये था आपका एनालिटिकल मेथड पांच मेथड डिस्कस हो गया ग्राफिकल मेथड था ठीक है लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड था हाई लो पॉइंट मेथड था लीस्ट स्क्वायर मेथड था एंड एक एनालिटिकल मेथड जो थियर मेथड जनरली कंसिडर किया जाता है पहले चार मेथड पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ, सकते आ सकता है और जो एनालिटिकल मेथड है उस मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है राइट आगे चलिएगा तो यहां तक आई डोंट थिंक सो कुछ आपको डाउट रहेगा लेट स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट आज का लेक्चर में सिर्फ हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग थियोरी डिस्कस करने वाले हैं एज ऑलरेडी टोल्ड यू कि आज का लेक्चर थोड़ा थियरी रहेगा बाकी नेक्स्ट लेक्चर से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल पार्ट चलेगा शुड वी स्टार्ट सब लोग जग रहे हैं? किसी का मैसेज नहीं आ रहा है सो गए क्या जी हां अरे कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है सो गए यह सुनो अरे है क्या आर यू देयर एवरी वन जगाना पड़ता है थोड़ी थोड़ी देर में सुबह का लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर है सर बहुत दिन बाद इतना सुबह हम लोग उठे हैं फाउंडेशन का एग्जाम के बाद पहली बार इतना सर जल्दी उठे आपने सर आज छुट्टी के दिन जल्दी उठा दिया सर जागते रहो जी हाँ नो सर आशीष जी सो रहे है? जग रहे है? क्या है समझ में नहीं आया ओके रेडी सर हाँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जल्दी उठा दिया <coughs> आदत डाल दो भाई सात बजे भी बुला सकता हूं आपको लेक्चर के लिए जब मुझे तीन घंटे का लेक्चर लेना है सात बजे भी बुला सकता हूं आप लोगों को मैंने करेंगे ना सात बजे भी मुझे कुछ लेक्चर तीन घंटे के लेने क्योंकि जब प्रैक्टिकल स्टार्ट होएगा आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा आप ही बोलेंगे सर अगला लेक्चर नहीं करते आप ही कंटिन्यू कीजिए तो तब मैं सात बजे लेक्चर लूंगा सर एक्टिव है ओके सात बजे चलेगा ना आपको सर बच्चों की जान लेंगे क्या <laughs> पांच बजे नहीं भाई मैं ही नहीं उठूंगा <laughs> सर अब ऐसा करोगे अच्छा तीन या चार बजे ब्रह्म मुहूर्त पे हम लोग कॉस्टिंग सीख रहे हैं ठीक है यू नो you know ना कि सुबह तीन और चार के बीच का जो टाइम है वो ब्रह्म मुहूर्त रहता है ठीक है पढ़ाई एकदम फटाफट से हो जाएगा दो घंटे का लेक्चर लेने का जरूरत ही नहीं है पंद्रह मिनट में आपका हो जाएगा सर इट्स विंटर <laughs> चलेगा ओके <Okay. coughs> आगे स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स यस सर सब लोग जग गए हैं चलिएगा फ्रेंड्स आगे स्टार्ट कर रहा हूं ध्यान से सुनिएगा जी हाँ मैसेज करना बंद कीजिएगा चलिए थैंक यू फ्रेंड्स सात बजे भी चलेगा कोई भी टाइम लोग चलेगा यस फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं यस सर फ्रेंड्स अभी आ, हमने अब तक जो डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो वो जो क्लासिफिकेशन था वो ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट था उसके बाद हमने देखा कि भाई क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर हर एक कॉस्ट का बिहेवियर फ्रेंड्स अलग है कुछ कॉस्ट चेंज होता है कुछ कॉस्ट चेंज नहीं होता है तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर वी हैव वन मोर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मैलिटी जी हाँ मालिक आपने सही सुना क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलिटी फ्रेंड्स ये नॉर्मल एंड एबनॉर्मल ऑलमोस्ट आगे के सारे टॉपिक में लगने वाला है मटेरियल टॉपिक में लेबर टॉपिक में इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड में हर जगह ओवरहेड टॉपिक में ये नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी का आपको कंटिन्यूअसली यूज होने वाला है ठीक है तो पहला शुरुआत करते हैं ध्यान से नॉर्मल कॉस्ट फ्रेंड्स उसका नाम ही बता देता है आपको यहां पे कुछ रट्टा मारने का जरूरत नहीं है कि भाई नॉर्मल कॉस्ट क्या है कॉस्ट विच इज नॉर्मली इनकर्ड कॉस्ट विच इज नॉर्मली इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज ए नॉर्मल कॉस्ट कॉस्ट विच शुड बी नॉर्मली इनकर्ड फॉर गिवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन उतना कॉस्ट तो लगना ही चाहिए था ऑल सच कॉस्ट आर नॉर्मल कॉस्ट एग्जाम्पल के लिए नॉर्मल कॉस्ट का मटेरियल का कॉस्ट है लेबर का कॉस्ट है रेंट है इलेक्ट्रिसिटी है जो नॉर्मली प्रोडक्शन के वक्त लगने वाला है ऑल सच कॉस्ट आर नॉर्मल कॉस्ट एंड फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट uh, मैंने हाईलाइट किया है वो हाईलाइट पॉइंट देखिएगा नॉर्मल कॉस्ट इज ट्रीटेड एज अ प्रोडक्शन कॉस्ट नॉर्मल कॉस्ट इज ट्रीटेड एज प्रोडक्शन कॉस्ट जी हाँ ये हमें पता है मटेरियल का कॉस्ट लेबर का कॉस्ट ओवर एक्सेट्रा यह प्रोडक्शन का कॉस्ट हम लोग कंसिडर करेंगे एग्जाम्पल दिया नॉर्मल कॉस्ट आर मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट आई होप ये नॉर्मल कॉस्ट क्लियर है नॉर्मल कॉस्ट क्या है कॉस्ट विच इज नॉर्मली इनकर्ड एट गिवन लेवल ऑफ आउटपुट फॉर एग्जाम्पल आपको दस हजार यूनिट मैन्यूफेक्चर करना है तो मटेरियल इतना लगेगा लेबर इतना लगेगा ओवरहेड्स इतना लगेगा एक्सेट्रा ऑल सच नॉर्मल कॉस्ट ठीक है नॉर्मल जो लगता है इट इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल कॉस्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट नॉर्मल कॉस्ट कहां पे जाता है प्रोडक्शन के कॉस्ट में जाता है ये जो नॉर्मल कॉस्ट है वो कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं कस्टमर को हम लोग ये चार्ज कर सकते हैं नॉर्मल कॉस्ट और एग्जाम्पल दिया है डायरेक्ट मटेरियल या मटेरियल का कॉस्ट लेबर का कॉस्ट फैक्ट्री का ओवर एक्सेट्रा आर ऑल नॉर्मल कॉस्ट ठीक है जब आप एबनॉर्मल कॉस्ट चेक करेंगे तब आपको ये नॉर्मल कॉस्ट के बारे में और क्लैरिटी आएगा जी हाँ एबनॉर्मल कॉस्ट कॉस्ट विच इज नॉट नॉर्मली इनकर्ड एट द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट कॉस्ट विच इज नॉट नॉर्मली इनकर्ड एट गिवन लेवल ऑफ आउटपुट सिर्फ एग्जाम्पल मुझे कुछ क्वॉंटिटी मैन्युफैक्चर करना है लेकिन कभी वो कॉस्ट लगता ही नहीं है लगना ही नहीं चाहिए था ऑल सच कॉस्ट इज कॉल्ड एज अ एब नॉर्मल कॉस्ट ये ओवर एड कॉस्ट इज ऑल्सो नॉर्मल कॉस्ट एक डाउट आया है ये ऑब्वियसली ओवर एड कॉस्ट इज ऑल्सो नॉर्मल कॉस्ट ठीक है नॉर्मली लगता ही है ना अब प्रोडक्शन करना है तो नॉर्मली आपको रेंट तो पे करना पड़ेगा प्रोडक्शन करना है तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा प्रोडक्शन करना है तो लाइटिंग एंड पावर तो लगेगा ठीक है प्रोडक्शन करना है तो रिपेयरस एंड मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा आपके फैक्ट्री का तो ओवर एड इज ऑल्सो अ नॉर्मल कॉस्ट ठीक है हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं कर रहे कि ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो डाय, डायरेक्ट कॉस्ट है और इनडायरेक्ट नहीं एबनॉर्मल कॉस्ट है ऐसा नहीं कर रहे हम लोग हम लोग सिर्फ देख रहे कि नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है लेट मी कंप्लीट आपको आराम से समझ जाएगा अब एबनॉर्मल कॉस्ट के बारे में मैंने बोला कि एबनॉर्मल कॉस्ट कॉस्ट विच इज नॉट नॉर्मली इनकर्ड एट द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल कॉस्ट अब फटाफट फड़ से एग्जाम्पल लेते ले हैं ले फटाफट फड़ से एग्जाम्पल ले लेते हैं यस प्राइम कॉस्ट ओवर ऑल नॉर्मल कॉस्ट है ठीक है अब रुकिएगा मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा फिर आपको समझ जाएगा नॉर्मल और एबनॉर्मल क्या है फ्रेंड्स मटेरियल लॉस्ट बाय फायर आग लग गई आग फैक्ट्री में आग लग गई और मटेरियल गया ठीक है आपको क्या लगता है ये नॉर्मल कॉस्ट है या एबनॉर्मल कॉस्ट है जल्दी से आपको आंसर दीजिएगा लॉस्ट बाय फायर आपके फैक्ट्री में आग लग गई भगवान न करे ऐसा हो लेकिन फैक्ट्री में आग लगे और जितना भी आपका मटेरियल था सारा मटेरियल स्वाहा हवन हो गया सर नॉर्मली होता है ऐसा रोज फैक्ट्री में आग लगती है रोज फैक्ट्री में, में आग लगती है आप ही मुझे बताइएगा ना रोज फैक्ट्री में आग लगती है या वंस ऑफ ऑन एनी कभी तभी एक हाथ टाइम कभी अगर बैड लक रहेगा तो आग लगेगा तो इसका मतलब क्या है लॉस ऑफ मटेरियल ड्यू टू फायर ये नॉर्मली नहीं लगता है प्रोडक्शन को इसका मतलब ये क्या हो गया आपका एबनॉर्मल कॉस्ट हो गया ओके बिकॉज नॉट नॉर्मली इनकर नेक्स्ट चोरी हो गई फ्रेंड्स लॉस ऑफ मटीरियल बाय थेफ्ट चोरी हो गई फ्रेंड्स किसी ने आपका जो स्टॉक है वो चोरी करवा लिया सिर्फ फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद आ रहा है अभी रिसेंटली टेन और फिफ्टीन डेज पहले एप्पल के फैक्ट्री में चोरी हुआ Apple के Apple के फैक्ट्री में चोरी हो गया इफ यू रिमेंबर 384 करोड़ के आई चोरी गए 384 करोड़ के आई चोरी गए पता है ना आपको 384 करोड़ के आईफोन चोरी गए नहीं नहीं मेरा मेरा खुद का है फ्रेंड पुराना है ये इफ यू रिमेंबर फ्रेंड्स तो ये जो लॉस्ट बाय थेफ्ट ये क्या है नॉर्मल है एबनॉर्मल है एबनॉर्मल कॉस्ट है राइट फ्रेंड आई होप ये डिफरेंस अब एकदम अच्छे से समझ में आ गया कुछ लोग बोले सर आपका ये चोरी का माल हा? चोरी का माल सस्ते में अरे नहीं भाई ये बहुत मेहनत से खरीदी किया है नेक्स्ट अगला एग्जांपल देता हूं फ्रेंड्स नेचुरल कैलमिटी आ गया ठीक है और सब बह गया फ्रेंड्स नेचुरल कैलोमिटी आ गया और आपके जो गुड्स है वो बह गए आपके अरमान भी बह गए आपके फैक्ट्री के जो गुड्स है उनके साथ सारे गुड्स तैर रहे थे ये क्या है एबनॉर्मल है अर्थक्वेक आ गया अर्थक्वेक आ गया और फ्रेंड्स पूरा मटेरियल गया हेवी रेन आ गया पूरा मटेरियल गया ये सारे जो मटेरियल का लॉस का एग्जाम्पल दे रहा हूं ये आपका एबनॉर्मल कॉस्ट है नेक्स्ट वन आपके फैक्ट्री का वर्कर लोगों ने स्ट्राइक कर दिया फैक्ट्री का आप वर्कर लोगों ने स्ट्राइक कर दिया हमारी मांगे पूरी करो धरना आंदोलन पर बैठे हैं ठीक है और फ्रेंड्स बाद में यह तय हुआ है कि जितने दिन फैक्ट्री बंद था वर्कर को वेजेस पे करना पड़ा इसको बोलते आइडल टाइम रिका मकड़ बैठा था फिर भी वो पैसा लेके जा रहा है तो ये लॉकआउट की वजह से जो वर्कर लोगों ने पैसा लेके गए और काम तो कुछ भी नहीं किया रिका में काम किए ठीक है तो ये भी आपका जो कॉस्ट है वो क्या रहेगा एबनॉर्मल कॉस्ट है यस लॉस बाय फायर तो एक्स्ट्रोर्डिनरी आइटम है तो एक्स्ट्रोर्डिनरी है ना नॉर्मली लगता नहीं है इसलिए तो ये एबनॉर्मल है चलिए अच्छा आइडल टाइम समझा तो अच्छा आइडल टाइम नहीं पता कोई बात नहीं आइडल टाइम का मतलब क्या है वर्कर पैसा ले रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है अब वर्कर आइडल कब बैठेगा ठीक है पावर फेलियर हो गया मशीन फेलियर हो गया उसने लॉकआउट कर दिया तो वो आइडल है फिर भी आपको उसको कुछ पैसा पे करना पड़ता है ठीक है तो वो बोलते हैं आइडल टाइम का लेबर कॉस्ट तो अगर स्ट्राइक के अगर उन्होंने स्ट्राइक किया है फिर भी आपने उनको कुछ पैसा पे किया है ठीक है तो प्रॉब्लम क्या है प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है ठीक है फैक्ट्री को लॉकआउट करके बैठे फिर भी आपने उनको सपोज सैलरी पे किया एक लाख रुपए का तो ये एक लाख रुपए आपके लिए एबनॉर्मल कॉस्ट है ठीक है हा चलेगा वेरी गुड मुकुल इसको रिकरिंग और नॉन रिकरिंग ठीक है अब रिकरिंग का मतलब क्या बार बार जो लगने वाला है वो नॉर्मल है बहुत अच्छे और एबनॉर्मल क्या है फ्रेंड्स वंस इन अ ब्लू मून कभी तो भी वो लगने वाला है ठीक है नेक्स्ट वन फ्रेंड्स आप आपका जो व्हीकल uh, है वो व्हीकल आप uh, यानी आपके गोडाउन तक लेके जा रहे थे आपके फैक्ट्री से और वो जो व्हीकल है उसका कैपेसिटी पांच टन था जो व्हीकल है उसका कैपेसिटी पांच टन था उसमें आपने पंद्रह टन माल डाला और फ्रेंड पुलिस ने पकड़ लिया आपको फाइन एंड पेनल्टी लगा अब ये बता दीजिएगा सर नॉर्मल है, है जल्दी से फटाफट से आप आपके व्हीकल से ट्रक से लॉरी से गुड्स लेके जा रहे थे आपके फैक्ट्री से वेयर हाउस तक आपके लॉरी का कैपेसिटी पांच टन था लेकिन आपने उसमें पंद्रह टन माल ठूसा पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस ने आपको पचास हजार रुपए चलान कटा दिया फाइन लगा दी ये नॉर्मल है एबनॉर्मल है आंसर इज एबनॉर्मल क्यों एबनॉर्मल है नॉर्मली ये फाइन एंड पेनाल्टी ये नॉर्मली नहीं लगता है फ्रेंड्स okay. लेबर अथॉरिटी का जो गवर्नमेंट का अथॉरिटी है लेबर लॉज के अंडर जो काम करती है उनका आपके फैक्ट्री में इंस्पेक्शन हुआ और इंस्पेक्शन में यह पता चला कि आपने चाइल्ड लेबर को वहां पे काम पे रखा है बच्चों की जान ले रहे हैं। आप चाइल्ड लेबर को काम पे रखा है मेरे जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे को वहां पर काम पे लगा दिया ओके तो उन्होंने बोला ये चाइल्ड लेबर है आपने क्राइम किया है ये ले पचास हजार रुपए का फाइन भर दे ये भी क्या आएगा आपका एबनॉर्मल कॉस्ट आएगा राइट फ्रेंड्स तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि नॉर्मल कॉस्ट क्या एबनॉर्मल कॉस्ट क्या है सो नॉर्मल कॉस्ट क्या है जो नॉर्मली लगने ही वाला है प्रोडक्शन के लिए वो नॉर्मल कॉस्ट है और एबनॉर्मल क्या है जो नॉर्मली नहीं लगता है इट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल कॉस्ट राइट फ्रेंड्स चलिए चलिएगा एक कुछ एब कमेंट मत करो नॉर्मल कमेंट रखिएगा जी फ्रेंड्स सबसे पहला पॉइंट है जैसे कि नॉर्मल कॉस्ट कहां पे गया था तो वो प्रोडक्शन का कॉस्ट था मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया था कस्टमर से वो आप रिकवर कर सकते हैं नॉर्मल कॉस्ट ऑब्वियसली ना मटेरियल का cost, का कॉस्ट कॉस्ट लेबर आप सेलिंग प्राइस चार्ज करते वक्त ये सारे कॉस्ट कहां से रिकवर करेंगे कस्टमर से आप रिकवर करेंगे राइट right, फ्रेंड्स अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं ध्यान से सुनिएगा मेरा मटेरियल फैक्ट्री में लॉस्ट हो गया बाय फायर लॉस बाय ठीक है लॉस बाय पिलफरेज पिलफरेज यानी भूर्टे चोर मराठी में हम लोग बोलते हैं भूर्टे चोर अच्छा यानी क्या छोटे छोटे क्वांटिटी में जो थेफ्ट करते हैं ना उसको पिलफरेज बोलते हैं ओके okay. तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं और ये एग्जाम्पल जानना बहुत जरूरी है ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल कॉस्ट ध्यान से सुनिएगा नाउ कमेंट करना बंद कीजिएगा एवरी वन प्लीज कॉन्सेंट्रेट कमेंट करना बंद कीजिएगा मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं फ्रेंड्स एबनॉर्मल कॉस्ट मेरा मटेरियल लॉस बाय फायर हुआ लॉस बाय थेफ्ट हुआ नेचुरल कैलेमिटी आ गया एक्सेट्रा ठीक है या फिर uh, पुलिस ने कुछ चलान कटा दिया फाइनस एंड पेनल्टी लग गया ओके okay. uh, इसके बाद सपोज मेरा लेबर का लॉकआउट हुआ था लॉकआउट के अंदर भी मैंने कुछ वेजेस पे किया तो वो मेरा जो एबनॉर्मल कॉस्ट है और ये सब मिला के सब मिला के मुझे कुछ दस लाख रुपए का लॉस हुआ है अब आप एक आंसर दीजिएगा आपको एक आंसर देना है ध्यान से सुनिएगा क्या ये जो पैसा है मेरा दस लाख रुपए का जो लॉस हुआ है क्या मैं ये कस्टमर से रिकवर कर सकता हूं क्या वेदर कस्टमर विल बी रेडी टू पे फॉर दिस ये आपसे मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं आंसर दीजिएगा जल्दी आप आंसर दीजिएगा क्या यह पैसा मैं कस्टमर से रिकवर कर सकता है क्या सपोज आप मेरे कस्टमर हो आप मेरे कस्टमर हो ठीक है ध्यान से सुनिएगा मैं एग्जाम्पल और डिटेल में देता रुकी फ्रेंड्स और डिटेल में आपको एग्जाम्पल देता हूं फ्रेंड्स आप लोगों ने मुझे बेंच मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर दिया था ओकेज no मैंने आपको बताया कि आ, 100 बेंच मल्टीप्लाइड बाय एक बेंच का कॉस्ट है वन थाउजेंड रुपीज ज्यादा हो गया ओके okay. एक बेंच का कॉस्ट है वन थाउजेंड रुपीज तो एक लाख रुपए का अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एक लाख रुपए का अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ठीक है आ, जैसे ही मैं ये व्हीकल से ट्रांसपोर्ट कर रहा था ओके और आ, मुझे फाइन लग गया क्योंकि मैंने ओवरलोडिंग किया था या सिग्नल ब्रेक कर दिया या नो एंट्री में घुस गया एक्सेट्रा कुछ तो भी तो मुझे दस हजार रुपए का एक्स्ट्रा फाइन एंड पेनाल्टी लगा ठीक है तो फ्रेंड्स टोटल आ, क्या आप मुझे एक लाख दस हजार रुपए पे करेंगे क्या मेरा एकदम सिंपल क्वेश्चन आपसे ही है अपना जो एग्रीमेंट हुआ था मैंने आपको बताया था एक बेंच वन थाउजेंड रुपीज का हंड्रेड बेंच अगर आप मुझसे लेते तो एक लाख रुपए आप पे करेंगे लेकिन मुझे रास्ते में आपको जब गुड्स डिलीवर कर रहा था दस हजार रुपए का पेनल्टी लग गया मैंने आपको बोला ये पेनल्टी भी आपको पे करना पड़ेगा आप पे करेंगे या नहीं करेंगे अब आंसर दीजिएगा आप ही बताइए बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देता हूं सो दैट कंसेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाए कंफ्यूजन ही ना रहे नहीं ना आप मुझे दस हजार नहीं देंगे ना नहीं देंगे यस yes. नहीं देंगे एवरी वन करेक्ट कोई भी मुझे एक लाख दस हजार नहीं देगा अरे भाई ये तेरी गलती है आप मुझे क्या बोलेंगे अरे दर्शन ठीक है ये फाइन एंड पेनल्टी लगाए तेरी गलती है ठीक है अब तू वहां पे कुछ भी करेगा और फाइन मेरे से रिकवर करेगा ऐसा नहीं चलेगा तो इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ ये जो पेनाल्टी का पैसा है मुझे मेरे खुद के पॉकेट से बेयर करना पड़ेगा इसलिए जो भी कुछ एबनॉर्मल कॉस्ट है अब ध्यान से सुनिएगा जो भी कुछ एबनॉर्मल कॉस्ट है जो भी कुछ एबनॉर्मल कॉस्ट है वो प्रोडक्शन के कॉस्ट में नहीं जा सकता वो जाएगा डायरेक्टली आपका कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे आपका नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है वैसे ही आपका कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा क्या रहेगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है ना आप नॉर्मल अकाउंट में पी एंड एल बनाते हो और कॉस्ट अकाउंटिंग का फाइनल में आप कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो जो एबनॉर्मल कॉस्ट है वो डायरेक्टली कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा जल्दी बताइएगा डेबिट होएगा या क्रेडिट होएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा क्रेडिट में जाएगा आपने सी फाउंडेशन का एग्जाम uh, दिया हुआ है फटाफट पड़ से आंसर दीजिएगा डेबिट डेबिट में जाएगा ना ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ठीक है तो फ्रेंड्स कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करना है आपको डेबिट कॉस्टिंग पे एंडल के डेबिट में जाएगा ओके परफेक्ट फ्रेंड्स आई होप ये ट्रीटमेंट दिमाग में फिट हो गया नॉर्मल और एबनॉर्मल का क्या है ओके मटेरियल टॉपिक में लेबर और ओवरहेड में ये नॉर्मल एबनॉर्मल प्रोसेस कॉस्टिंग तो पूरा ये नॉर्मल एबनॉर्मल पे डिपेंडेंट है यस डेबिट होएगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस परफेक्ट है डेबिट में जाएगा ओके आई गॉट द आंसर चलिए तो आई होप ये नॉर्मलिटी आपको नॉर्मली दिमाग में फिट हो गया है चलेगा तो ये पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि नॉर्मल कॉस्ट क्या है और एबनॉर्मल कॉस्ट क्या है नॉर्मल कॉस्ट क्या है क्या लिखेंगे एग्जाम में फ्रेंड्स एग्जाम में क्या होगा पांच uh, मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और पांच मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाएगा एक्सप्लेन एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी तो आपको टू एंड हाफ मार्क नॉर्मल के लिए रहेगा टू एंड हाफ मार्क आपको एबनॉर्मल के लिए अच्छे से एक्सप्लेन करना नॉर्मल कॉस्ट में क्या लिखेंगे आप कॉस्ट विच इज नॉर्मली इनकर्ड एट द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल कॉस्ट नॉर्मल कॉस्ट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर नॉर्मल कॉस्ट इज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन के कॉस्ट में वो कंसिडर किया जाएगा एबनॉर्मल कॉस्ट कॉस्ट विच इज नॉट नॉर्मली इनकर्ड ठीक है इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल कॉस्ट कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर इट शुड बी चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी यह भी काफी बार एग्जाम में आया है उसके दो बायपर्केशन है एक आएगा आपका कंट्रोलेबल कॉस्ट और दूसरा आएगा आपका अनकंट्रोलेबल कॉस्ट एक आएगा आपका कंट्रोलेबल कॉस्ट और एक आएगा आपका अनकंट्रोलेबल कॉस्ट अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं ध्यान से सुनिएगा एवरी वन प्लीज कॉन्सेंट्रेट कंट्रोलेबल का मतलब क्या है कॉस्ट नाम ही बता देता है कंट्रोलेबल कॉस्ट विच कैन बी कंट्रोल्ड कॉस्ट विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय एन एक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव कंसर्न मैनेजर और पर्सोनल आराम से कॉस्ट विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय एन एक्शन ऑफ कंसर्न पर्सोनल इज कॉल्ड एज अ कंट्रोलेबल कॉस्ट अनकंट्रोलेबल कॉस्ट क्या है कॉस्ट विच नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एन एक्शन ऑफ द कंसर्न पर्सन इज कॉल्ड एज अ अनकंट्रोलेबल कॉस्ट ठीक है अब एकदम आराम से समझते आप मुझे आंसर देते रहिएगा चलिए जनरल एंट्री में क्रेडिट क्यों होता है फ्रेंड्स आपको फिर वो अकाउंट्स का बेसिक सीखना पड़ेगा ठीक है तो अभी तो मैं नहीं बता सकता वो क्योंकि क्लास अभी कॉस्टिंग का चल रहा है ठीक है अकाउंटिंग एंट्री तो आप इलेवन ट्वेल्थ फाउंडेशन में सीखे हो आई होप आप लोग फाउंडेशन कंप्लीट करके यानी एग्जाम देके आए हो और जो जनरल एंट्री का पार्ट है जब हम टॉपिक नंबर सिक्स देखने वाले कॉस्ट अकाउंटिंग तब देखेंगे फिलहाल जितना आपको बता रहा हूँ उतना आप अच्छे से समझ लीजिएगा अगे आगे बढ़ते हैं जी हाँ कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट आंसर सुनिएगा फ्रेंड्स फैक्ट्री एंड सेल्स डिपार्टमेंट सपोज दो अलग अलग डिपार्टमेंट है एक डिपार्टमेंट है आपका फैक्ट्री और दूसरा है आपका सेल्स डिपार्टमेंट अब ध्यान से सुनिएगा कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल डिस्कस कर रहा हूं फ्रेंड्स फैक्ट्री में फैक्ट्री मैनेजर है डीसी दर्शन चंडालिया ये फैक्ट्री का मैनेजर है और सेल्स डिपार्टमेंट के आप मैनेजर हो चैम्प स्टूडेंट सी एस आपको नाम मैंने दिया है चैंप स्टूडेंट सेल्स डिपार्टमेंट के आप मैनेजर हो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है क्वेश्चन का आंसर अगर आपने दे दिया तो आप आराम से एग्जाम में लिख के आएंगे आपको पांच मार्क्स मिल जाएगा फैक्ट्री की जो भी कुछ कॉस्ट है फैक्ट्री का रेंट है फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी है फैक्ट्री के वेजेस है ठीक है फैक्ट्री का जो सैलरी है वॉट फैक्ट्री के जो भी कुछ ओवरहेड्स है वॉट फैक्ट्री में जो मटेरियल लगता है लेबर लगता है क्या यह फैक्ट्री का कॉस्ट सी एस कंट्रोल कर सकता है या कंट्रोल नहीं कर सकता मेरा एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर दीजिएगा अगर यह दिमाग में कंसेप्ट फिट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी हाँ मालिक जल्दी बताइएगा फैक्ट्री का रेंट इलेक्ट्रिसिटी वेजेस सैलरी एंड ओवरहेड एक्सेट्रा वॉट एवर द खर्चे मटेरियल लेबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉट एवर जो फैक्ट्री के खर्चे हैं, वो आप आपको सी एस चैम स्टूडेंट चैम स्टूडेंट का काम क्या है सेल्स डिपार्टमेंट मैनेज करना सेल करना मैक्सिमम सेल करना कस्टमर ढूंढना प्रोडक्ट बेचना ओके okay, एडवर्टाइजमेंट करना मार्केटिंग करना ये आपका काम है राइट फ्रेंड सेल्स डिपार्टमेंट का यह काम है तो जल्दी से बताइए ये जो फैक्ट्री के खर्चे हैं क्या ये सी एस चैम्प स्टूडेंट को ठीक है ये जो मैनेजर है स्टैंप चैम्प स्टूडेंट यह कंट्रोल कर सकते या कंट्रोल नहीं कर सकते नो कैन नॉट बी कंट्रोल नहीं हो सकता कंट्रोल ठीक है नहीं हो सकता एकदम बराबर नहीं कर सकते डिपार्टमेंट अलग है वेरी गुड टीटी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट अलग है ओके वेरी गुड तो अब जो मैंने वो खुंखार डेफिनेशन बताया था क्या अब वो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं क्या कॉस्ट विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एन एक्शन कंसर्न मैटर इज कॉल्ड एज अनकंट्रोलेबल कॉस्ट अब कितना भी चैम स्टूडेंट ये जो मैनेजर है वो कितना भी सोचे कितना भी वो एक्शन ले लेकिन वो फैक्ट्री की कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर सकता तो जो फैक्ट्री में जो कॉस्ट लगा है वो चैम स्टूडेंट के लिए अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है अब मेरा अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है ये जो फैक्ट्री की कॉस्ट थी रेंट इलेक्ट्रिसिटी वेजेस सैलरी ओवर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट व्हाट ये दर्शन चंडालिया डीसी मैनेजर के लिए कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल है बस अब यह बता दीजिएगा ये रेंट इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस सैलरी ओवरेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट व्हाट एवर द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन टू द फैक्ट्री वेदर इट इज कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल फॉर डीसी। यस कंट्रोल बाय डीसी डीसी उसको कंट्रोल कर सकता है सो फ्रेंड्स कंट्रोलेबल कॉस्ट वेरी गुड यस मैं कंट्रोल कर सकता है कंट्रोल उदय कंट्रोल यस कंट्रोल कंट्रोल क्यू भाई डेफिनेशन समझा आपको फिर अभी देखो रट्टा नहीं मारना है हमें बाकी लोगों को मारने दो रट्टा ठीक है रट्टा नहीं हम लोग कंसेप्टअली समझे एग्जाम्पल से आपको दिमाग में फिट हो गया यस कंट्रोलेबल मैक्सिमम स्टूडेंट करेक्ट आंसर दे रहे कंट्रोलेबल तो उसका डेफिनेशन क्या है देखते है जरा देखते हैं आपको लिखते आएगा या नहीं आएगा एग्जाम में कॉज दैट कैन बी कंट्रोल बाय एक्शन ऑफ मैनेजर इज कॉल्ड एज अ कंट्रोलेबल कॉस्ट कितना सिंपल है कॉज विच कैन बी कंट्रोल बाय एक्शन ऑफ मैनेजर इज कॉल्ड एज अ कंट्रोलेबल कॉस्ट ठीक है एग्जांपल भी दे दिया है मटेरियल का कॉस्ट लेबर का कॉस्ट एक्सेट्रा फैक्ट्री रिलेटेड कॉस्ट वो जो शॉप का मैनेजर है वो कंट्रोल कर सकता है अब अनकंट्रोलेबल कॉस्ट क्या स्पेसिफिक मैनेजर आर कॉल्ड एज अनकंट्रोलेबल कॉस्ट ठीक है मटेरियल इन्वेंट्री कॉस्ट कैन नॉट बी कंट्रोल बाय द सेल्स मैनेजर अब मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल दिया कि सेल्स मैनेजर का यहां पे कोई लेना देना नहीं है मटेरियल वो कुछ करता ही नहीं उसके बारे में ओके okay? तो आई होप ये पॉइंट दिमाग में फिट है यस फ्रेंड्स इज इट ओके बराबर गया दिमाग में आता है पांच मार्क्स के लिए आ जाएगा इतने सिंपल आप बोलेंगे सर इतना सिंपल है फिर भी अरे भाई सिंपल है वो समझ जाता है कंट्रोलेबल क्या अनकंट्रोलेबल क्या है लेकिन लिखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल वहां पे कोट करना इंपॉर्टेंट है ये तो समझ जाता है कॉस्ट विच कैन बी कंट्रोल कॉस विच नॉट बी कंट्रोल यस सर अंडरस्टूड ओके चलिएगा जेपा ओके okay, जेपा जेपा सबको बिल्कुल जेपे का क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल इतना सिंपल दिया था आपको चलिए सो so, हमने आज बहुत इंटरेस्टिंग दो थियरी पार्ट कवर किए एक नॉर्मेलिटी और एक एबनॉर्मेलिटी इसके बाद कंट्रोलेबिलिटी अनकंट्रोलेबिलिटी चलिए आगे फिट हो गया आगे ओ एम जी नेचुरल कैलमिनिटीज का मतलब क्या है कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल अब नेचुरल कैलेमिटी कौन कंट्रोल करेगा भाई मुकुल भाई नेचुरल कैलेमिटी कौन कंट्रोल करेगा पॉसिबल है क्या अर्थक्वेक आना ठीक है फ्लड आना ये कैसे कंट्रोलेबल हो सकता है अनकंट्रोलेबल है ना बहुत ही चलिएगा और ये जो नेचुरल कैलमिटी है ये मैंने कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल के वक्त नहीं यूज किया था ये मैंने नॉर्मल और एबनॉर्मल के वक्त यूज किया था तो उसका रेफरेंस वहां पे कीजिएगा हर एक इसमें कंफ्यूजन बढ़ेगा आपका अगर आप दूसरे इसमें वो लगा देंगे एग्जाम्पल तो चलेगा अगला क्वेश्चन ऑलरेडी अपना डिस्कस नाइन्टी नाइन्टी हो चुका है यस फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ठीक है फ्रेंड्स ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोडक्शन ओवरहेड डिस्कस हो चुका है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड सेलिंग ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड यहां तक ऑलरेडी हमने वो कवर कर दिया राइट right? अब आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जी हां रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बस ये अपना बाकी है लेकिन आपको पता है रिसर्च का मतलब क्या आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है ठीक है नया मार्केट आप ढूंढ रहे हो ठीक है इसको क्या बोलेंगे आप रिसर्च करने का कॉस्ट एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट से फॉर एग्जांपल आपने ये सोच लिया कि एक नया प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना है ठीक है आपने देख लिया कि मार्केट में इसका डिमांड हो सकता है अच्छे से वो प्रोडक्ट बेच सकते हो आप तो आपको एक कंसेप्ट आ गया कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट हमें मैन्युफैक्चर करना है फिर फ्रेंड वो प्रोडक्ट को डिजाइनिंग से लेके प्रोडक्शन के पहले तक जितने भी स्टेप आप करेंगे उसको बोलेंगे डेवलपमेंट कॉस्ट पहले तो रिसर्च किया हाँ हाँ ऐसा एक नया प्रोडक्ट लेके आना है ओके रिसर्च करने के बाद आपने डिसाइड कर लिया कि ये एक नया प्रोडक्ट आएगा फिर क्या होएगा वो प्रोडक्ट का डिजाइन होएगा उसमें थोड़ा सा और आर एन डी कुछ होएगा ठीक है उसके बाद प्रोडक्शन होएगा तो प्रोडक्शन के पहले जो भी कुछ आपको कॉस्ट लगेगा वो डेवलपमेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कॉस्ट है राइट फ्रेंड्स जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने से पहले वो बिल्डिंग का प्लान वगैरह बनता है आर्किटेक्ट या फिर सिविल इंजीनियर उसका प्लान वगैरह बनाता है तो उसको क्या बोलेंगे डेवलपमेंट का कॉस्ट तो ये हो गया फ्रेंड्स अपना क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ओके कुछ डिस्कस uh, करने जैसा नहीं था क्योंकि ऑलरेडी सिर्फ आर एनडी छोड़ के बाकी सारे पॉइंट अपने डिस्कस हो चुके थे तो फ्रेंड्स अब जल्दी से आप मुझे बताइएगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा फटाफट -फड़ से सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट एलिमेंट में क्या क्या था आपका था सबसे पहले तो मटेरियल उसके बाद था आपका लेबर दैट इज कॉल्ड एज एम्प्लॉ कॉस्ट तीसरा था आपका एक्सपेंसेस और ये सब कुछ मटेरियल लेबर और एक्सपेंसेस डायरेक्ट हो सकता था या इनडायरेक्ट हो सकता था ओके okay, समझ गया तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट इसके बाद हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर सो दो टाइप के बिहेवियर सॉरी तीन टाइप का बिहेवियर था एक था आपका वेरिएबल कॉस्ट दूसरा था आपका फिक्स्ड कॉस्ट और तीसरा था मालिक आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट तो ये हो गया आपका बिहेवियर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन इसके बाद आज हमने सीखा फ्रेंड्स नॉर्मेलिटी के बेसिस पे ओके okay, सर नॉर्मेलिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया इसमें सबसे पहला पॉइंट था नॉर्मल और दूसरा पॉइंट था एबनॉर्मल एक था आपका नॉर्मल और दूसरा था आपका एबनॉर्मल देन हमने देखा जी हाँ कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे सबसे पहले देखा कंट्रोलेबल और दूसरा हमने देखा अनकंट्रोलेबल ठीक है सो so, पिछले दो लेक्चर में जितना भी सिखाया था उसका ये समरी है ओके okay? तो so, ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अब फ्रेंड्स जी हां समृद्धि ने बराबर इन्होंने बराबर आंसर दिया एलिमेंट के बेसिस पे बिहेवियर के बेसिस पे फंक्शन अच्छा फंक्शन बाकी दर्शन क्या बात है समृद्धि जी थैंक यू फंक्शन के मटीरियल आया लेबर आया ठीक है इसके बाद एक्सपेंसेस आया प्रोडक्शन ओवरहेड आया एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आया एंड लास्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट आया तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है इसमें से कोई भी दो आइटम आपको पांच मार्क्स के लिए पूछेंगे ओके okay, चलिए आगे बढ़ते हैं अब फ्रेंड्स थोड़ा सा हेवी पॉइंट है ठीक है अगले जो पॉइंट्स है वो काफी हेवी पॉइंट्स है अगर नहीं समझे तो इमीजिएटली बताइएगा मैं आराम से वो एक्सप्लेन करूंगा और ये भी बता दूं कि ये जो पॉइंट है और क्लियर होंगे जब आप रिस्पेक्टिव टॉपिक करेंगे क्योंकि इसमें कुछ मार्जिनल uh, कॉस्टिंग के कंसेप्ट है या फिर इसमें कुछ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कंसेप्ट है ठीक है आई ट्राई टू एक्सप्लेन मैक्सिमम टूडे ठीक है आपके डाउट भी सॉल्व करूंगा लेकिन फिर भी अगर डाउट रहेगा तो डोंट वरी एट ऑल जैसे ही वो टॉपिक में जाएंगे वो आपको क्लैरिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगा राइट फ्रेंड्स चलेगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लास्ट पार्ट है ओके खत्म हो रहा है अपना टॉपिक तो ध्यान से सुनिएगा डाउट अगर रहेगा तो इमीजिएटली क्वेश्चन पूछिएगा एंड प्लीज आस्क नॉर्मल क्वेश्चन एव नॉर्मल क्वेश्चन नहीं कंट्रोलेबल क्वेश्चन पूछिएगा अनकंट्रोलेबल नहीं ओके सर yes, ये क्लासिफिकेशन का अलग टाइप है Yes, रोहित जी ये जो है ये क्लासिफिकेशन का अलग टाइप है मैनेजर को डिसीजन लेते वक्त कुछ कॉस्ट लगता है मैनेजर को डिसीजन लेते वक्त कॉस्ट लगता है तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग लास्ट पार्ट है सो so, हम लोग शुरू कर रहे हैं ध्यान से सुनिएगा इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन आने का चांसेस है ये जो कंसेप्ट हम लोग सीख रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन यही कंसेप्ट के आने के चांसेस है मैक्सिमम अगर आता है क्वेश्चन तो इसका ही आएगा इसमें से कोई भी दो पॉइंट वो पूछते एग्जाम में जी सबसे पहले अपना प्री डिटरमाइंड कॉस्ट सबसे पहले प्री डिटरमाइंड कॉस्ट ठीक है अब ध्यान से सुनिएगा डिटरमाइन कॉस्ट रट्टा मारने की जरूरत नहीं आप आराम से वर्कआउट कर लेंगे प्री डिटरमेंट कॉस्ट फ्रेंड्स नासिक से पुणे एक्सप्रेस वे नासिक टू पुणे एक्सप्रेस वे का गवर्नमेंट ने टेंडर मंगवाया है ठीक है कोटेशन मंगवाया है ठीक है तो चैंप स्टूडेंट ठीक है प्राइवेट लिमिटेड ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है इनको ये जो भरना है सबसे पहले आप मुझे बताइए चैंप स्टूडेंट के आप ओनर हो आपको ये जो एक्सप्रेस वे बनाना है उसका टेंडर कोटेशन देना है गवर्नमेंट को okays? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे मैं बराबर हूं या गलत ही आप मुझे बताएंगे रुकिए आंसर मत दीजिएगा मैं बराबर हूं या गलत ही आप बताइए सबसे पहले सबसे पहले आप सारा मटेरियल परचेस करेंगे फिर आप रोड कंस्ट्रक्शन करेंगे मशीनरी वगैरह मटेरियल, मशीनरी एक्सेट्रा वर्कर लोगों को आप रिक्रूट करेंगे रोड कंस्ट्रक्शन करेंगे फिर आप जो आपको एक्चुअल में कॉस्ट लगा है वो कैलकुलेट करेंगे और तब टेंडर भरेंगे ये मेरा जो प्रोसीजर है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला नासिक पुणे का एक्सप्रेस वे कंस्ट्रक्ट करना है गवर्नमेंट ने टेंडर मंगवाए है आप चैम स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी में हो आपको ये टेंडर भरना है तो सबसे पहले आपने मटेरियल लेके आ गए सीमेंट सैंड एक्सेट्रा सब कुछ आप लेके आ गए बिल्डिंग मटेरियल वो जो लगता है कंस्ट्रक्शन करने के लिए उसके बाद आप मशीन वगैरह लेके आए वर्कर लोगों को रिक्रूट किया मैनेजर्स को आपने रिक्रूट किया ओके आ, उसके बाद आपने अच्छे से एकदम जबरदस्त वो रोड कंस्ट्रक्शन कर दिया और फिर एक्चुअल में देखा ओके ओके ये ये कॉस्ट मुझे लगा एक्चुअल में और आपने फिर गवर्नमेंट को टेंडर दिया ओके आपने फिर गवर्नमेंट को बोला इतना इतना कॉस्ट लगना चाहिए ये मैंने जो आपको बताया करेक्ट या इनकरेक्ट है ऐसा ही होना चाहिए क्या ऐसा ही होना चाहिए क्या एक लॉजिकली बताइएगा ना फ्रेंड्स ऐसा ही होना चाहिए कि पहले मैं सब कुछ कर लूंगा और फिर आ, आ, मैं टेंडर भरूंगा कि एक्चुअल में इतना कॉस्ट लगाया और फिर इतना मेरा टेंडर की आ, प्राइस है नहीं ना आप बोलेंगे भाई अलीबाग से आया है क्या क्या है ये अलीबाग से आया है अलीबाग से अलीबाग से आया है ऐसा कोई करता है क्या पॉसिबल है क्या और मान लो ये कर लिया और गवर्नमेंट ने आपका टेंडर रिजेक्ट कर दिया ठीक है हो गए फिर तो पूरे जज्बात बदल गए अच्छा अब कुछ स्टूडेंट बहुत स्पेसिफिक आंसर दे रहे फर्स्ट फर्स्ट वील कैलकुलेट प्रोजेक्टेड कॉस्ट ओके पहले कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे ठीक है यानी अब मैं कंसेप्ट पे आ रहा हूं ध्यान दीजिएगा अब मैं कंसेप्ट पे आ रहा हूं अगर एग्जाम्पल समझ गया तो कंसेप्ट गया आपके दिमाग में हम्म हम्म हम्म। अब ये एग्जाम्पल समझ गया तो कंसेप्ट गया दिमाग में ध्यान से सुनिएगा एक्चुअल प्रोडक्शन करने से पहले ही मुझे टेंडर देना पड़ेगा एक्चुअल प्रोडक्शन करने से पहले ये रोड कंस्ट्रक्शन करने से पहले ही मुझे टेंडर देना पड़ेगा राइट right, फ्रेंड्स तो वो मैं किस बेसिस पे करूंगा वो मैं किस बेसिस पे करूंगा मुझे थोड़ा सा कॉस्ट का एक एनालिसिस करना पड़ेगा अगर इतना रोड कंस्ट्रक्शन करना है तो मटेरियल इतना लगेगा लेबर इतना लगेगा मशीनरी इतना लगेगा या फिर ओवर एक्सेट्रा इतना लगेगा एडमिनिस्ट्रेशन का इतना खर्चा लगेगा एक्सेट्रा ठीक है तो क्या करना पड़ेगा मुझे एक समृद्धि महाजन जी मैडम ये बहुत अच्छा आंसर दिया इन्होंने इन्होंने बोला पहले हम लोग कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे मटेरियल इतना लगेगा लेबर इतना लगेगा ठीक है ओवरहेड्स लगेगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवर एड्स इतना प्रॉफिट रहेगा फिर जाके टेंडर जाएगा यानी जो एडवांस में आपने कॉस्ट कैलकुलेट किया है इट इज कॉल्ड एज अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट ठोको डिटरताली समझाए तो जो एडवांस में कॉस्ट आपने कैलकुलेट किया है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट का मतलब क्या है जो कॉस्ट आपने एडवांस में कैलकुलेट किया है इट इज कॉल्ड एज अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट प्रोडक्शन करने से पहले अगर आप कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हो ठीक है तो ये आएगा आपका प्री डिटरमाइंड कॉस्ट यस ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस ये हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे राइट फ्रेंड्स सो आई होप ये गया दिमाग के अंदर प्री डिटरमाइंड कॉस्ट थो को टाली अंडरस्टूड ना एग्जाम्पल याद रखना फ्रेंड्स रोड कंस्ट्रक्शन करने से पहले ही टेंडर दिया था प्री डिटरमाइंड किया हमने यानी कॉस्ट इनकर होने से पहले ही हम लोगों ने एनालिसिस किया दिस आल्सो कॉल्ड एज अ फ्यूचर कॉस्ट आगे जाके लगने वाला है और ये प्री डिटर्माइन कॉस्ट स्टैंडर्ड के बेसिस पे होता है कि इतना मटेरियल स्टैंडर्ड लगता है इतना लेबर स्टैंडर्ड लगता है एक्सेट्रा टीटी इंडस्ट्रीज क्या इसका लिंक बजट एंड बजेटरी कंट्रोल से है क्या ये एक क्वेश्चन आया है बहुत अच्छे बजट बनाते वक्त क्या बात है टीटी इंडस्ट्री वेरी गुड आप पढ़ के आए हो क्या जब आपको बजट प्रिपेयर करना है फ्यूचर का तब आपको प्री प्रीडिटरमाइन कॉस्ट लगता है स्टैंडर्ड कॉस्ट लगता है फ्यूचर कॉस्ट लगता है राइट फ्रेंड्स ओके चलिएगा वेरी गुड अच्छा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे तुम लोग ठीक है नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे होबनॉर्मल नहीं ओके अब आगे बढ़ते हैं एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट फ्रेंड्स अगला कॉन्सेप्ट है मार्जिनल कॉस्ट ये आपने थोड़ा सुना सुना लग रहा है मार्जिनल कॉस्ट ध्यान से सुनिएगा मार्जिनल कॉस्ट क्या है एक एक्स्ट्रा यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए जो आपको कॉस्ट एक्स्ट्रा लगता है इट इज कॉल्ड एज अ मार्जिनल कॉस्ट ध्यान से सुनिएगा एक एक्स्ट्रा यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए जो कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा लगेगा एक एक्स्ट्रा यूनिट मैन्युफैक्चर करने की वजह से जो कॉस्ट आपको ज्यादा लगा है दट कॉस्ट इज कॉल्ड एज अ मार्जिनल कॉस्ट यस yes, एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने अच्छा अच्छा आंसर दे रहे एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए जो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है इट इज कॉल्ड एज अ मार्जिनल कॉस्ट फ्रेंड्स मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या कैन यू से दैट मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट वेरिएबल कॉस्ट ओ भाई मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट वेरिएबल कॉस्ट हाया हा या ना हाया ना हाया ना? हा ना जल्दी आंसर दीजिएगा देख के आंसर मत देना कैन यू से दैट मार्जिनल कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट यस सर वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे तो क्या एक्स्ट्रा लगने वाला है फिक्स कॉस्ट तो उतना रहेगा वेरिएबल कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा लगेगा तो so, याद रखना मालिक मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट वेरिएबल कॉस्ट कुछ uh, क्वेरी है बजेट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजट बजेटरी कंट्रोल जब वो टॉपिक आएगा तब एक्सप्लेन करूंगा फ्रेंड्स अभी मुझे नहीं लगता वो बेसिक नॉलेज पे हमें वो uh, समझ में आएगा आएगा ना बजट क्या है स्टैंडर्ड क्या है समझेगा टॉपिक नंबर ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन है ओके सो मार्जिनल कॉस्ट क्या है एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट एक्स्ट्रा है इट इज कॉल्ड एज अ मार्जिनल कॉस्ट ठीक है एंड यू कैन से दैट मार्जिनल कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट ठीक अब तक तो मुझे कोई द, द, दिक्कत नहीं गया दो कॉस्ट मुझे बहुत अच्छे से समझा प्री प्रीडिटरमाइंट कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट एडवांस में जो कैलकुलेट करते हैं वो प्री प्रीडिटर कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है आपका वेरिएबल कॉस्ट एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट एक्स्ट्रा लगता है इट इज कॉल्ड एज अ मार्जिनल कॉस्ट अब फ्रेंड्स एक खुंखार कंसेप्ट ध्यान से सुनिएगा कॉन्सेंट्रेशन बहने मत दो यहां ध्यान दीजिएगा डिफरेंशियल कॉस्ट डिफरेंशियल कॉस्ट ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे मार्जिनल कॉस्ट और डिफरेंशियल कॉस्ट सर सेम ही तो है ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं फ्रेंड्स डिफरेंशियल कॉस्ट इज डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट बिटवीन टू अल्टरनेटिव बिटवीन टू लेवल्स बिटवीन टू ऑप्शन बिट्वीन टू प्रोसेस ऐसा बिल्कुल नहीं समझेगा आपको मुझे पता है ना नहीं समझेगा ओके okay? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं एग्जाम्पल ठीक है एग्जाम्पल देना पड़ता है तो वो दिमाग में कंसेप्ट चला जाता है डिफरेंशियल कॉस्ट क्या है डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट वेरिएबल एज वेल एज फिक्स कॉस्ट बिटवीन टू ऑप्शन इतना सिंपल आप याद रखना डिफरेंशियल कॉस्ट क्या है डिफरेंस इन कॉस्ट बिटवीन टू ऑप्शन एग्जाम्पल लेते हैं 100% समझ में आएगा 100% समझ में आएगा फ्रेंड्स अब आप फाउंडेशन का एग्जाम फाउंडेशन का एग्जाम आप क्लियर होने वाले हो जनवरी में कुछ रिजल्ट लगेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड वीक वॉट मुझे पता नहीं है क्वेश्चन मत पूछना रिजल्ट कब है आई डोंट नो ओगे फाउंडेशन का रिजल्ट लगने वाला है और आप फाउंडेशन का रिजल्ट विद फ्लाइंग मार्क्स जबरदस्त आप पास होने वाले हो जैसे मैंने आप पहले आपको बता दिया है यस यू आर गोइंग टू पास दिस फाउंडेशन एग्जाम अब फाउंडेशन का एग्जाम तो आपने क्लियर कर दिया फिर घर वालों ने आपको बोला था कि जैसे ही फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर हो जाएगा आपको टू व्हीलर दे देंगे ओके टू व्हीलर दे देंगे ठीक है तो टू व्हीलर दे देंगे आपने दो ऑप्शन किए या फिर आपके फैमिली ने आपको दो ऑप्शन दिए टू व्हीलर के उन्होंने बोले भाई तू तो एक्टिवा खरीद ले क्या है? एक्टिवा खरीद ले ठीक है और आप बोले नहीं 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 वो केटीएम का जो बाइक है ना वही खरीदी करना है ठीक है टाइम सेव करना है सो एक सौ दस एक सौ बीस एक सौ पचास के स्पीड से चलता है जल्दी जल्दी सब कुछ करूंगा तो मुझे टाइम सेव करना इंटरमीडिएट में ओके okay. तो आपके पेरेंट्स ने बोला अरे एक तो एक्टिव वाले या फिर केटीएम बाइक ले नहीं नहीं बोले मुझे तो केटीएम बाइक ही चाहिए तो आपके पेरेंट बोले मेरा इतना बजट नहीं है ये बाइक करने का एक काम कर ले तू सेकेंड हैंड ले ले क्या ले ले सेकेंड हैंड ले ले ओके सेकेंड हैंड ले ले तो फ्रेंड्स एक्टिवा का सपोज जो डेप्रिसिएशन है सपोज आपने कुछ आ, आ, सत्तर हजार का एक्टिवा परचेस किया सात साल उसका लाइफ है डेप्रिसिएशन सपोज सात हजार रुपए आया जो के टी एम बाइक है सपोज महंगा बाइक था दो लाख का था आपने एक लाख में परचेस किया उसका दस साल का लाइफ था तो दस हजार रुपये उसका डिप्रिसिएशन है ठीक है अब वेरिएबल कॉस्ट आपको जितना वो टू व्हीलर चलाना था जितना आपका क्लासेस का वगैरह पर्सनल रिक्वायरमेंट थी अकॉर्डिंगली फ्रेंड्स एक्टिवा का जो खर्चा है वो पूरे साल का सपोज थर्टीन थाउजेंड लगा वो पेट्रोल डीजल डीजल नहीं पेट्रोल वगैरह ऑयल वगैरह आप डाल रहे थे उसका खर्चा वही के बाइक का एवरेज तो देता नहीं है दस और पंद्रह बीस का उसका माइलेज है राइट फ्रेंड्स तो <laughs> कुछ लोग बोले सर बाइसिकल बेस्ट है तो ये खर्चा लग गया बीस हजार रुपए का ओके बीस हजार रुपए का खर्चा लग गया है एवरेज कम है ना माइलेज कम है उसका तो अगर एक्टिवा आपने परचेस किया तो आपको टोटल कॉस्ट लगेगा ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज का और अगर केटीएम बाइक आपने परचेस किया तो आपको कॉस्ट लग गया थर्टी थाउजेंड रुपीज का अब फ्रेंड्स हंड्रेड परसेंट मैं बोलता हूं आपको ये कंसेप्ट दिमाग में फिट हो जाएगा डिफरेंशियल कॉस्ट इज डिफरेंशियल कॉस्ट इज डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों मिला के डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट तो बीस हजार और तीस हजार ये दो ऑप्शन के बीच में डिफरेंस कितना आया दस हजार का डिफरेंस आया तो डिफरेंशियल कॉस्ट इज डिफरेंस ऑफ टोटल कॉस्ट बिटवीन टू ऑप्शन अब आप ही मुझे बताएंगे हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हो वॉट इज अ डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड डिफरेंशियल कॉस्ट चलो देखते हैं तो मुझे समझ में आएगा ये कंसेप्ट आपको समझा या नहीं समझा अदरवाइज मुझे और एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड डिफरेंशियल कॉस्ट जी आंसर देते रहिएगा मार्जिनल कॉस्ट और डिफरेंशियल कॉस्ट का डिफरेंस आप मुझे बताएंगे अच्छा मार्जिनल कॉस्ट इज एडिशनल कॉस्ट एंड डिफरेंशियल कॉस्ट इज अ डिफरेंस थोड़ा और डिटेल में अच्छा एक यूनिट के लिए जो इंक्रीज होता है और डिफरेंस में दो यूनिट का डिफरेंस है ओके ठीक है और डिटेल में बता दो मार्जिनल कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है और डिफरेंशियल कॉस्ट में टोटल कॉस्ट है दर्शन जबरदस्त आपने एकदम जबरदस्त आंसर दिया है दर्शन लोग तो चैंपी रहते हैं नेक्स्ट वन मार्जिनल कॉस्ट इज देयर फॉर सेम कमोडिटी वाइल द डिफरेंशियल कॉस्ट इज डिफरेंट कमोडिटी ओके डिफरेंट कमोडिटी और ऑप्शन आप बोल सकते हो मार्जिनल कॉस्ट इज एडिशनल कॉस्ट डिफरेंशियल कॉस्ट इंक्लूड फिक्स प्लस वेरिएबल वेरी गुड राहुल जी वंश डिफरेंशियल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट इंक्लूड होता है और मार्जिनल कॉस्ट में नहीं वेरी गुड वंश तेजस्वी मार्जिनल इज अ डिफरेंस ऑफ सेम प्रोडक्ट बट डिफरेंशियल ओके डिफरेंशियल इज ऑफ गुड्स। ऑप्शन ओके ऑप्शन का डिफरेंस है मार्जिनल कॉस्ट इंक्लूड वेरिएबल कॉस्ट राहुल जी बराबर है समृद्धि जी मार्जिनल कॉस्ट सेम पर यूनिट मार्जिनल कॉस्ट सेम यूनिट की एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की कॉस्ट है वेरी गुड वेरी गुड डिफरेंशियल कॉस्ट में प्रोडक्ट अलग अलग है या फिर ऑप्शन अलग अलग है वेरी गुड बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो एकदम बराबर है एकदम बराबर है आपका वेरी गुड अंशिका जी इन्होंने लास्ट आंसर जो अभी दे रहा है वो मुझे अच्छा लगा मार्जिनल कॉस्ट इज

टोटल कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन टू ऑप्शन टू एक्टिविटीज टू प्रोसेस एक्सेट्रा दट डिफरेंशियल कॉस्ट कंसिडर्स वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज फिक्स अब फ्रेंड दो अलग अलग ऑप्शन है तो फिक्स कॉस्ट भी तो अलग हो सकता है अब ये स्कूटर टू व्हीलर जाने दो फ्रेंड्स ठीक है आपके पास ऑलरेडी रहेगा मैं आपको अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं आपके फैक्ट्री का एग्जाम्पल दे रहा हूं फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा फैक्ट्री का एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको फैक्ट्री में मशीनरी लगाना है पहले आप मैन्युअल काम कर रहे थे अब आपको मशीन से प्रोडक्शन करना है अगेस, okay, आपके पास दो ऑप्शन है सेमी ऑटोमैटिक मशीन एंड फुल्ली ऑटोमैटिक मशीन फ्रेंड दो ऑप्शन है आपके पास आपको मैन्युफैक्चर पहले मैन्युअल कर रहे थे असेंबली वगैरह सब वर्कर लोग कर रहे थे टाइम सेव करने के लिए खर्चा कम करने के लिए आपने दो ऑप्शन और सिलेक्ट किया सेमी ऑटोमेटिक मशीन एंड फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन ओके सेमी ऑटोमेटिक मशीन का जो डेप्रिसिएशन है एंड अदर फिक्स कॉस्ट इज टेन थाउजेंड जो फुल्ली ऑटोमेटिक है उसका फ्रेंड ज्यादा कॉस्टिंग है तो ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज का उसका डेप्रिसिएशन एंड अदर कॉस्ट है तो अगर मुझे 1000 थाउजेंड मैन्युफैक्चर करना है सपोज 1000 थाउजेंड अगर सेमी ऑटोमैटिक मशीन से मैन्युफैक्चर करता हूं रुपीज तो um, लगता है मैन्युफैक्चर करता हूं तो सपोज मुझे टेन थाउजेंड रुपीज लगता है वन थाउज यूनिट्स मुझे मैन्युफैक्चर करना है तो टोटल कॉस्ट कितना लग गया पहले केस में लग गया 25,000 सेकंड केस में लग गया 30,000 थाउजेंड तो मेरे पास दो ऑप्शन थे सेमी ऑटोमेटिक मशीन और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन राइट फ्रेंड्स तो 25,000 और 30,000 का अगर आप डिफरेंस लेते हैं तो वो आता है 5,000, थाउजेंड विच इज कॉल्ड एज अ डिफरेंशियल कॉस्ट डिफरेंशियल कॉस्ट कंसिडर वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज फिक्स कॉस्ट दो ऑप्शन शायद अभी आपको और अच्छे से समझ में आ गया चलिए सो डिफरेंशियल कॉस्ट एक खुंखार कंसेप्ट हमने कंप्लीट किया अब आगे बढ़ते हैं ध्यान से सुनिएगा अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है संक कॉस्ट बस सर खत्म होते आगे अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है संक कॉस्ट ठीक है एवरी प्लीज पीज कॉन्सेंट्रेट है ये एग्जाम्पल फ्रेंड्स जबरा एग्जाम्पल है तोड़ खुंखार एग्जाम्पल है कंसेप्ट दिमाग में फिट होएगा ही होगा एवरी कॉन्सेंट्रेट सपोज मैं आपके जैसा नन्ना मुन्ना सीए फाउंडेशन दिया हुआ पास आउट हुआ हुआ बच्चा हूं ओके अभी अभी मैं पास आउट हुआ हूं सीए फाउंडेशन और अब मैं नवंबर 2021 में नवंबर 2021 में इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाला हूं ओके जी हाँ फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके जैसा नन्ना मुन्ना बच्चा हूं बालक हूं नवंबर 2021 में मेरे इंटर का अटेम्प्ट है अभी अभी मैं पास आउट हो चुका हूं फाउंडेशन नवंबर 21 में मुझे इंटर का अटेम्प्ट देना है तो अगस्त मंथ में समथिंग कुछ फॉर्म भरने के लिए आता है फॉर्म फिलिंग अगस्त में आता है मैंने अगस्त मंथ में जोश जोश में बोध ग्रुप का फॉर्म भर दिया वैसे तो मैं एवरेज स्टूडेंट हूं जो जोश में मैंने बोध ग्रुप का फॉर्म भर दिया ठीक है क्योंकि जब फॉर्म भरते सबमिट करते हो तब ऐसे तो लगता है तो हा रैंक में ही आएंगे ठीक है तो मुझे भी ऐसी ख्वाहिश थी कि मैं दोनों ग्रुप का फॉर्म भरता हूं दोनों ग्रुप अच्छे से दूंगा और मुझे रैंक आना चाहिए तो मैंने दोनों ग्रुप का फॉर्म सबमिट कर दिया से फॉर एग्जाम्पल दोनों ग्रुप का फीस थ्री थाउजेंड रुपीज और अगर एक एक ग्रुप करते थे तो फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टी हंड्रेड इज जस्ट एग्जाम्पल तो मैंने जोश जोश में ठीक है रैंक 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 आना चाहिए इसलिए मैंने बोध ग्रुप का फॉर्म भर दिया तीन हजार रुपए मैंने भर दिया ठीक है अपने इंस्टीट्यूट को चढ़ावा दे दिया अपने इंस्टीट्यूट को फ्रेंड्स पास करा देना तीन हजार रुपए डोनेशन मैंने चढ़ा दिया फ्रेंड्स एग्जाम पास में आ गया अच्छा एग्जाम पास में आ गया तो मुझे नहीं जे पाई दोनों ग्रुप ओके तो एग्जाम पास में आ गए दस पंद्रह दिन या एक महीना बाकी है तो मैंने सोचा अरे यार मैं ये बोध ग्रुप अगर दूंगा और इसमें एक भी क्लियर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा तो क्यों ना मैं फर्स्ट ग्रुप दे दू क्यों ना मैं फर्स्ट ग्रुप दे दू सेकेंड ग्रुप नहीं दू और फ्रेंड्स uh, uh, मैं आपको बता दू नवंबर ट्वेंटी में ऑप्ट आउट का ऑप्शन नहीं रहेगा नवंबर 21 में ऑप्ट आउट का ऑप्शन नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं होएगा कि फर्स्ट ग्रुप दे दिया नवंबर में और जनवरी में सेकंड ग्रुप ऑप्ट आउट करके दे दिया ऐसा नहीं रहेगा डायरेक्टली अगला में देना पड़ेगा अगला 2022 का देना पड़ेगा राइट फ्रेंड तो आ, एक मैंने पहले डिसाइड किया अक्टूबर मंथ पे नहीं भाई नहीं झेपेगा दोनों ग्रुप में एक ही ग्रुप देता हूं ठीक है तीन हजार रुपए का तो मैंने डोनेशन ऑलरेडी दे चुका था अब मैं अच्छे से एक अपने जो प्रेसिडेंट सर है इंस्टीट्यूट के आईसीआई के प्रेसिडेंट के उनको एक मैंने बहुत अच्छे से एक लेटर लिखा ठीक है और लेटर में उनको बोला कि आ, मैंने सोचा था मैं रैंक में हूंगा, मैं दोनों ग्रुप पास आउट हो जाऊंगा इसलिए मैंने दोनों ग्रुप का फॉर्म भरा था अभी अभी मुझे यह एहसास हुआ है कि दोनों ग्रुप नहीं होएगा अरमान बदल गए सिचुएशन सब कुछ बदल गया ओके तो मैं अभी एक ही ग्रुप देने वाला हूं तो प्लीज सर आप मेरे पंद्रह सौ रिफंड कर दीजिएगा ये मेरा के डिटेल है क्या आपको रिफंड मिलेगा क्या और बाद में बाद में जैसे और एग्जाम पास में आ गया तो मैंने बोला नहीं 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 अभी एक ग्रुप भी नहीं देता हूं वो भी पढ़ाई नहीं हुआ है मैं डायरेक्ट बहुत अच्छे से मे 22 में दूंगा और वहां पे रैंक लेके आऊंगा ठीक है अभी नहीं, नहीं 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 अभी नहीं मैं मे ट्वेंटी में देता हूं और मैंने एक और लेटर लिखा नहीं नहीं अब मुझे पूरा तीन रिफंड कर दो क्या वो रिफंड करेंगे या नहीं करेंगे अरे रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा इंस्टीट्यूट से अरे रिफंड मिलेगा क्या तीन हजार रुपये रिफंड दे दो बहुत जरूरत है पैसों की तीन हजार रुपए रिफंड दे दो इंस्टीट्यूट अब मैं एग्जाम को ही नहीं आऊंगा क्यों पैसा ले रहे हो मेरे से बच्चे की जान लेंगे क्या <laughs> चप्पल मिलेगा <laughs> अरे रिफंड मिलेगा क्या आंसर इज नो रिफंड नहीं मिलेगा तो मतलब क्या है यस yes, नहीं मिलेगा गया वो गया वापिस नहीं आने वाला है जो गया वो गया वापिस नहीं है जापड़ मिलेगा यस yes. तो फ्रेंड्स आई होप ये कंसेप्ट दिमाग में फिट हो गया आपके अब कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं रही संघ कॉस्ट के बारे में कॉस्ट विच इज ऑलरेडी इनकर्ड कॉस्ट विच इज ऑलरेडी इनकर्ड कॉल्ड एज अ संक कॉस्ट आगे आप कुछ भी डिसीजन ले लो वो कॉस्ट चेंज नहीं होने वाला <laughs> खत्म टाटा बाय बाय थ्री थाउजेंड गया आई होप मैं एग्जाम्पल इतने खतरनाक देता हूं कंसेप्ट दिमाग में ही होना चाहिए ठीक है जी हां

तो जो कॉस्ट ऑलरेडी पीछे लग गया है उसका रिलेवेंस ही नहीं बचता है जैसे आपको वो तीन हजार रुपए वापिस नहीं मिलेगा वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है एक बार गया गया, इट इज कॉल्ड एज अ सं कॉस्ट डिसीजन लेते वक्त संघ कॉस्ट आप कंसिडर नहीं करेंगे ओके अब आगे फ्रेंड्स चलिए आगे और इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत मजा आएगा बहुत अगला इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है फ्रेंड्स शटडाउन कॉस्ट एंड फ्रेंड्स मैं आपको बता दू सी ए इंटरमीडिएट में और सी ए फाइनल में भी ये कंसेप्ट है शटडाउन का आगे मार्जिनल कॉस्टिंग में डिटेल में डिस्कस करूंगा एवरी वन प्लीज कॉन्सेंट्रेट फ्रेंड्स मार्च 2020 फ्रेंड्स लॉकडाउन है मार्च 2020 लॉकडाउन mm, है वहां से लेके सपोज दिसंबर चल रहा है 2020 ठीक है यहां तक अभी फ्रेंड्स uh, डिमांड uh, ही नहीं है अब सपोज सब कुछ खुल भी गया है तो स्टूडेंट लोग क्लास में नहीं आ रहे हैं ठीक है दे, वो प्रेफर कर रहे कि वर्चुअल लेक्चर होने दो ये कोरोना एक बार जाने दो टीका वगैरह लगने दो एक बार ठीक है उसके बाद ही हम लोग देखेंगे क्लास को आना या नहीं आना है। अब ध्यान से सुनिएगा एग्जाम्पल मेरा तो मार्च 2020 से दिसंबर 2020 तक वी स्मार्ट का जो फेस टू फेस बैच है वो बंद है राइट फ्रेंड्स मार्च 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक फेस टू फेस बैच बंद है ओके तो पुणे में प्रेस्टीज पॉइंट यहां पे स्मार्ट अकेडमी के क्लास होता है सपोज फोर्थ फ्लोर पे एक क्लासरूम है जो रेंटेड है मैं आपको बता दूं सारे क्लास ओन्ड है लेकिन जस्ट फॉर दिस एग्जांपल जस्ट फॉर दिस एग्जांपल एक रेंटेड क्लासरूम है प्लस क्लास रेंटेड है और सपोज एक ऑफिस है वो रेंटेड है अब ये जो भी कुछ मार्च से लेके दिसंबर है तब तक तो कोई स्टूडेंट आने नहीं वाला थे तो हम लोग सोच रहे हैं क्या ये ऑफिस कंटिन्यू करना चाहिए या शटडाउन करना चाहिए आंसर नहीं पूछे आपसे आप पहले, पहले पूरा एग्जाम्पल समझ लीजिएगा ठीक है कंटिन्यू करना है या शटडाउन करना है पहले तो एक दिमाग में जो मिसकंसेप्शन है वो निकाल दो शटडाउन इज नॉट अ परमानेंट क्लोजर ऑफ बिजनेस शटडाउन इज जस्ट अ टेम्पररी क्लोजर ऑफ बिजनेस जी मालिक ध्यान से सुनो शटडाउन इज नॉट अ परमानेंट क्लोजर पूरा भाई बोरिया बिस्तर बांध के चले गए नहीं अगर कभी कभी लगता है कि डिमांड कम है तो बेटर एक दो महीने के लिए प्लांट शटडाउन करेंगे जैसे कि आपने देखा रहेगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ये जो फोर व्हीलर है नासिक में महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्लांट एक फिफ्टीन डेज बंद था क्योंकि डिमांड ही नहीं था लॉकडाउन की वजह से तो याद रखना शटडाउन इज नॉट अ परमानेंट क्लोजर शटडाउन इज जस्ट अ टेम्पररी क्लोजर ऑफ बिजनेस जब तक आपको लगता है डिमांड ज्यादा नहीं है तब तक आपने सोचा कि शटडाउन करते हैं ओके okay. तो हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि अगर हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो खर्चा तो सब कुछ लगेगा रेंट लगेगा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लगेगा स्टाफ वगैरह आएंगे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह आएंगे तो उनको हम लोगों को पेमेंट करना ही पड़ेगा तो क्यों ना कॉस्ट कम करने के लिए लॉस कम करने के लिए हम लोग शट डाउन करते हैं फॉर दिस मार्च टू डिसेंबर ठीक है मार्च टू डिसेम्बर अब अब आपसे मेरा क्वेश्चन है और जेन्यून क्वेश्चन है देखो ये आंसर अगर आपने दे दिया तो आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है तो मार्च से लेकर दिसंबर तक अगर शटडाउन रखते हैं ऑफिस और क्लासरूम तो क्या हमारी कॉस्ट जीरो रहेगी क्या और अगर नहीं तो कौन सा कॉस्ट कंटिन्यू होएगा? ये आप मुझे बताएंगे अगर 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 ध्यान से सुनिएगा अगर मार्च से लेकर दिसंबर तक अगर हम लोगों ने सोचा कि शटडाउन करते हैं तो अब आप मुझे बताएंगे आप मुझे बताएंगे कि फ्रेंड्स uh, कॉस्ट लगेगा या नहीं लगेगा ये सारे कॉस्ट जीरो हो जाएंगे अच्छा मुझे एग्जाम्पल भी दो आप आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन रहे एग्जाम्पल भी दो मेरा कौन सा कौन सा कॉस्ट कंटिन्यू रहेगा और कौन सा कौन सा नहीं रहेगा मैं एग्जाम्पल देता हूं रेंट ठीक है एक दूसरा है सैलरी तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी ओके रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सेट्रा अब आप मुझे बताएंगे अगर मैं शटडाउन करता हूं तो क्या इसमें से कौन से कौन से कॉस्ट मुझे लगने वाले हैं ओके फ्रेंड्स मुझे रेंट पे करना पड़ेगा और अगर स्टाफ परमानेंट है ओके okay, सैलरी तो मुझे देना पड़ेगा सपोज उसमें थोड़ा बहुत मैं कम कर दूंगा कि भाई अब मेरे पास ही पैसा नहीं आ रहा है तो भाई छह महीने के बदले तीन महीने का सैलरी ले लो काम पे मत आओ भले आप घर पे रहो लेकिन अब मैं पूरे छह महीने का रेंट सैलरी नहीं दे सकता एक काम करो आप तीन महीने का सैलरी लो घर पर रहो क्योंकि मेरे पास भी इनकम नहीं आ रहा है ट्राई टू अंडरस्टैंड तो सैलरी तो थोड़ा बहुत लगेगा ओके इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ जो रेंटल है फिक्स रेंटल उतना ही लगेगा वेरिएबल तो नहीं लगेगा अगर शटडाउन करता हो तो ओके okay. और मेंटेन रखना पड़ेगा अदरवाइज बहुत गंदा हो जाएगा छह महीने आठ महीने के बाद जब मैं ये खोलेगा ओके okay. तो आप बहुत अच्छे से करेक्ट आंसर दे रहे हो प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं लगेगा लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है लाइक like रेंट है सैलरी है एक्सेट्रा लगेगा शाबाश तो समझ गया शटडाउन कॉस्ट का मतलब क्या है आपने जो एग्जाम्पल दिया वो शटडाउन कॉस्ट है प्लांट अगर शटडाउन भी किया तो जो जो कॉस्ट फिर भी लगता है जैसे कि रेंट है सिक्योरिटी गार्ड को आपको पेमेंट करना पड़ेगा अदरवाइज पूरा फैक्ट्री खाली हो जाएगा ओके, okay? तो फ्रेंड्स आपने प्लांट शटडाउन किया फिर भी आपको जो कॉस्ट लगता है इट इज कॉल्ड एज अ शटडाउन कॉस्ट देखो रेंट रेट डेप्रिसिएशन किसी ने बोला था कंप्यूटर वगैरह लगेगा जैसे मशीनरी डेप्रिसिएट तो के बेसिस पे ओके okay? तो इट इज कॉल्ड एज अ शट डाउन कॉस्ट शटडाउन किया टेम्पररी फिर भी जो कॉस्ट आपको लगा इट इज कॉल्ड एज अ शटडाउन कॉस्ट अरे फ्रेंड्स झेपा क्या यस फिक्स कॉस्ट आपको लगेगा वेरी गुड आगे बढ़ रहे आगे बढ़ रहे फ्रेंड्स डिस्क्रिशनरी कॉस्ट चलेगा डिफरेंशियल नहीं है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट डिस्क्रिशन मेरी मर्जी डिस्क्रिशन का मतलब क्या है मेरी मर्जी मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी डिस्क्रिशनरी कॉस्ट डिस्क्रिशन का मतलब मर्जी भाई अब ध्यान से सुनिएगा एग्जाम्पल बताता है तो आपको एकदम अच्छे से समझेगा एग्जाम्पल समझ लो आप डिफरेंशियल बात नहीं हो रहा है डिस्क्रीशन मेरी मर्जी डांस से सुनिएगा जी हां फ्रेंड्स डीसी सपोज मैं कॉस्टिंग का लेक्चर्स ले रहा हूं और मेरा एक दोस्त है पुणे में एक्स वाई जेड नाम नहीं ले रहा हूं एंड दिस इज जस्ट एग्जाम्पल हा बॉस दिस इज स्ट एग्जाम्पल किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल इसका वास्तविक में किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है okay. तो फ्रेंड्स डिस्क्रिशनरी कॉस्ट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स डीसी में कॉस्टिंग का कोचिंग दे रहा हूं एक्स वाई जेड सपोज कोई सब्जेक्ट का कोचिंग दे रहा है ठीक है uh, हम दोनों वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं मेरा अच्छा खासा दोस्त है एक्सवाइजेड हम दोनों वीडियो लेक्चर दे रहे ठीक है हमारा एकेडमी सपोज अलग अलग है भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है ओके हमारा एकेडमी अलग है उनका एकेडमी अलग है ओके तो फ्रेंड्स अब मार्केटिंग का ठीक है अब आ रहा है चॉइस मार्केटिंग का से सुनिएगा अब चॉइस आ रहा है मार्केटिंग का मैं जीरो रुपीज का मार्केटिंग में बिलीव करता हूं ठीक है मुझे अगर ऐसा लगता है अगर स्टूडेंट को लेक्चर पसंद है, तो वो ऑटोमेटिकली स्प्रेड करेंगे तो मेरे लेक्चर को मार्केट करने की जरूरत नहीं है मैंने एक रुपए का भी मार्केटिंग पे खर्चा नहीं किया जीरो रुपीज ठीक है ना मैं आ, अगर आप चेक कर लेंगे इंस्टा या फिर फेसबुक पे कुछ भी प्रमोशन वगैरह कुछ भी नहीं है ओके? तो मेरा ये बजट था जीरो लेकिन वही मेरा दोस्त बोले अरे दर्शन तू जमाने के साथ चल जमाना किधर चल रहा है और तू कहां पे जा रहा है भाई अब ये मार्केटिंग का जमाना है जो दिखता है वही बिकता है जो दिखता है वही बिकता है ओके तो उसने दस लाख रुपए मार्केटिंग पे लगा दिए ठीक है मोबाइल खोला उसका एडवर्टाइजमेंट इंटरनेट खोला उसका एडवर्टाइजमेंट फेसबुक खोला उसका एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब खोला उसका एडवर्टाइजमेंट इंस्टाग्राम खोला उसका नुस्ते वो एडवर्टाइजमेंट करते जा रहा इधर गया बैनर उधर गया बैनर ऊपर देखा बैनर नीचे देखा उसके क्लास का बैनर दस लाख रुपए का खर्चा किया ठीक है पहले तो ये बताइएगा आप क्या ये जरूरी है ध्यान से सुनेगा जज्बा चेंज हो गए क्या यह जरूरी है क्या यह जरूरी है मुझे सिखाने के लिए क्या यह मार्केटिंग जरूरी है कि इसके बिना मेरा कुछ हो ही नहीं सकता इज इट सो इसके बिना स्टूडेंट मेरे से पढ़ ही नहीं सकता इज इट सो इज इट सो आप ही सोचो सर फ्रेंड्स क्योंकि इससे मैं आपको कंसेप्ट लेके जाऊंगा और आपको और वो उसमें क्लैरिटी आएगा इज इट सो क्या ये जरूरी है जैसे नोट्स जरूरी है बस एक नोट्स जरूरी है राइट फ्रेंड्स ये मार्केटिंग जरूरी है क्या कि इसके बिना मेरा कुछ हो ही नहीं सकता नहीं थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बराबर से जाएगा और वो लॉन्ग टर्म रहेगा मार्केटिंग से मुझे शॉर्ट टर्म में सक्सेस मिलेगा लॉन्ग टर्म में क्वालिटी सस्टेन करेगा नॉट नीडेड तो मेरी मर्जी मैं चाहे जीरो रुपीज का मार्केटिंग करूं मैं चाहे दस लाख का मार्केटिंग करूं मेरी मर्जी तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका डिस्क्रिप्शनरी कॉस्ट तोड़ समझ में आ रहेगा आपको डिस्क्रिप्शनरी कॉस्ट इट डिपेंड्स ऑन जजमेंट ऑफ मैनेजर इट डिपेंड्स ऑन बजट मैं कुछ बजट सेट करूंगा कि मेरा मार्केटिंग uh, का दस हजार का बजट है किसी का दस लाख का बजट है इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैनेजर पे डिपेंड करता है लेकिन इसका इनपुट आउटपुट के साथ कोई लेना देना नहीं है राइट right, फ्रेंड्स तो ये मार्केटिंग का जो कॉस्ट है वो डिस्क्रिशनरी का आई होप ये झेपा आपको हंड्रेड परसेंट झेपेगा फ्रेंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं चलो अगला एग्जाम्पल आ रहा है आपके सामने एक और एग्जाम्पल आ रहा है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट का एक और एग्जाम्पल आ रहा है सुनिएगा एक डीसी कंपनी है और सपोज एक आपका कंपनी है चैंप लोग एक डीसी कंपनी है और एक आपका कंपनी है चैंप लोग ठीक है फ्रेंड्स टाइम टू टाइम टाइम टू टाइम वर्कर लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ता है टाइम टू टाइम वर्कर लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ता है ध्यान से सुनिएगा टाइम टू टाइम वर्कर लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ता है तो मैंने बोल, मैंने यह सोचा कि अब वर्कर को कुछ भी ट्रेनिंग नहीं देते क्योंकि अगर वर्कर को ट्रेनिंग के लिए भेजता हूं तो मेरा प्रोडक्शन रुक जाएगा तो मैं ट्रेनिंग पे खर्चा नहीं करूंगा और आप आप सोच सोच रहे रहे हो हो चैंप लोग आप सोच रहे हो, नहीं ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट भले ही मेरा थोड़ा प्रोडक्शन इंपैक्ट होएगा लेकिन ट्रेनिंग के बाद वर्कर लोगों का इफिशियंसी बढ़ेगा वर्कर लोग और क्वालिटी गुड्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं ठीक है जो डिफेक्ट वगैरह वो कम करेंगे तो आपने दस लाख रुपए लगा दिए वर्कर के ट्रेनिंग के ऊपर आपने दस लाख रुपए लगा दिए वर्कर के ट्रेनिंग के ऊपर तो ये ट्रेनिंग का कॉस्ट भी क्या हो गया डिस्क्रिशनरी कॉस्ट है इसके बिना भी मेरा प्रोडक्शन हो रहा था ठीक है तो ये किस पे डिपेंडेंट है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट डिस्क्रिशनरी कॉस्ट इज डिपेंडेंट ऑन योर बजट कि मुझे पांच लाख रुपए ट्रेनिंग पे खर्चा करना है पांच लाख रुपए मार्केटिंग पे खर्चा करना है एंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो चेंज हो सकता है ओके तो दिस इज योर डिस्क्रिशनरी कॉस्ट आई होप गया दिमाग में एग्जाम्पल भी दिए हैं। एडवर्टाइजमेंट एंड ट्रेनिंग का खर्चा दिस कॉस्ट आर इनकर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन रिगार्डिंग मैक्सिमम आउटलेट टू बी इनकर्ड। मेरा बजट एक लाख रुपए मार्केटिंग का है, किसी का दस लाख हो सकता है किसी का पचास लाख हो सकता है एक्सेट्रा तो so ये था आपका डिस्क्रिशनरी कॉस्ट यस डिफरेंस इन ओपिनियन वेरी गुड दर्शन डिफरेंस इन ओपिनियन चलेगा अब आगे बढ़ते हैं लास्ट कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं उसके बाद विल uh, स्टॉप क्योंकि दर्शन सर का भी आज लेक्चर है ठीक है सो so, हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे नो वरीज ठीक है तो आज का एक लास्ट कॉर्स कंसिडर करके आपका क्वेरी सेशन लेता हूं एक पांच मिनट का देन विल बी रेडी फॉर दर्शन खरे सर लॉ लेक्चर ठीक है ओके सर लास्ट है कैपिटलाइज कॉस्ट ओके कैपिटलाइज कॉस्ट फ्रेंड्स आपने एसी परचेज किया ठीक है एयर कंडीशनर आपने परचेज किया वो एसी फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का था घर पे आ गया फिर आपने इंस्टॉलेशन करवाया उसका और कंपनी के आदमी आए इंस्टॉलेशन करके दिया फाइव थाउजेंड रुपीज एक्स्ट्रा लग गया तो टोटल फिफ्टी फाइव थाउजेंड का आपको वो एसी आया आपके ऑफिस में ठीक है थी? चैंप लोग आप सीए हो ऑफिस में बैठे हो ठंडी हवा ले रहे हो फिफ्टी फाइव थाउजेंड रुपीज का आपको टोटल कॉस्ट लगा है अब जल्दी से बताइएगा डेप्रिसिएशन कितने अमाउंट पे आप लेंगे सपोज ये ऑफिस का एसी था डेप्रिसिएशन पचास हजार पे लेंगे या पचपन हजार पे लेंगे फटाफट आंसर देते रहिएगा। चलो जल्दी हमें खत्म करना है डेप्रिसिएशन कौन से अमाउंट पे लेंगे अरे आंसर दो चलो जल्दी फ्रेंड डेप्रिसिएशन कौन से अमाउंट पे लेंगे पचास हजार पे डिप्रिसिएशन आएगा पांच हजार पे आएगा या पचपन हजार पे 55,000 पे, 55,000 टोटल कॉस्ट पे, 55,000 पे फिफ्टी आएगा, 55,000 पे आएगा, 55,000 पे आएगा, क्या बात है, 55,000 पे आएगा फटाफट फड़ से 5500 अच्छा अब फिफ्टी फाइव हंड्रेड अच्छा डिप्रीसिएशन ऑन 50,000 एक ही आंसर 50,000 का है, बाकी सारे 55,000 क्या है, ओके okay, फ्रेंड्स तो कैपिटलाइज कॉस्ट क्या है दीज कॉस्ट इनिशियली रिकॉर्डेड एज एसेट्स एंड सब्सिक्वेंटली ट्रीटेड एज एक्सपेंसिस तो मैं आपको बता दू आपने मैक्सिमम नाइनटी नाइन नाइनटी फाइव परसेंट स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया है डेप्रिसिएशन पूरा हजार पे लगेगा तो so, फ्रेंड्स ये पांच हजार भी आपने एसेट ट्रीट किया ठीक है और बाद में आप उस पर क्या ले रहे हो डेप्रिसिएशन ले रहे हो एंड पहले आपने उसको एसेट ट्रीट किया और ईयर ऑन ईयर उसका डेप्रिसिएशन लिया तो so, डेप्रिसिएशन लिया इसका मतलब आपने क्या किया ड इट एज एक्सपेंसि पहले वो एसेट था रिकॉर्ड करते वक्त पचपन हजार का रिकॉर्डिंग हुआ है पचास हजार का नहीं हुआ है पचपन हजार मशीन चालू करने तक का खर्चा वो आपको मशीन के कॉस्ट में डाल इंस्टॉलेशन चार्जेस इरेक्शन चार्जेस ये सारे जो चार्जेस है वो आपको कॉस्ट में एड करना पड़ेगा वो मशीन के तो मशीन का कॉस्ट पचपन हजार है डिप्रिसिएशन पचपन हजार पे मिलेगा तब इसका मतलब क्या हुआ पहले जो था वो आपने एसेट ट्रीट किया और जैसे जैसे यूज कर रहे हो उसका डिप्रिसिएशन ले रहे हो डेप्रिसिएशन यानी आपने उसको क्या ट्रीट किया आपने उसका खर्चा ट्रीट किया एक्सपेंसेस ओके okay. तो ये था आपका कैपिटलाइज्ड कॉस्ट आई होप कैपिटलाइज्ड कॉस्ट क्लियर है कैश पेमेंट है तो डेप्रिसिएशन अरे भाई इलेवन ट्वेल्थ में सीखे है ना डेप्रिसिएशन क्यों कैश में पे किया तो डेप्रिसिएट नहीं होएगा क्या पचपन हजार का हमने पेमेंट किया कैश से करो क्रेडिट पे करो लोन पे लो वॉट आपको फ्रेंड डेप्रिसिएशन तो पचपन हजार पे लगेगा ना और हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी ऑफिस इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन ओवरेट्स में कंसिडर किया जाता है ऑल क्लियर यस फ्रेंड्स जल्दी से बताइएगा इज इट क्लियर इनकम टैक्स रूल ये क्लास कौन सा है कॉस्टिंग का क्लास है तो फ्रेंड्स ये इनकम टैक्स के रूल डब्ल्यू डीवी मेथड वगैरह वो हमें अभी कुछ भी उसका कोई लेना देना ही नहीं है ठीक है आप जज्बात मत बदलो नॉन कैश एक्सपेंडिचर तो क्या हुआ खर्चा तो हुआ ना भाई जब आप रिप्लेस करने जाएंगे तो वापिस से पैसा सपोज पांच साल के बाद पांच साल के बाद ये मशीन खराब हो गया तो नया लेने के लिए जाएंगे तो वापिस से पैसा देना पड़ेगा और जो पैसा पे किया है आपने उसका तो डिप्रिसिएशन लेते हैं तो ये आई डोंट नो कि यह कंफ्यूजन आपका कहां से आया कि कैश एक्सपेंसेस है नॉन कैश एक्सपेंसेस है अरे भाई डिप्रिसिएशन ओवर टॉपिक देखो ना जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, 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 आ ओवर ये क्या है डिप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी लिया हुआ है तब तो, तो आपने एक वेरी नहीं पूछा कैश है या नॉन कैश है सब जगह पे लिया है मैंने डिप्रिसिएशन भाई डिप्रिसिएशन कंसिडर करना है कैश नॉन कैश का इधर कुछ भी नहीं आया हम लोग एफ नहीं पढ़ रहे कॉस्टिंग पढ़ रहे सो so, ये आप कंफ्यूजन मत रखिएगा कि डेप्रिसिएशन कॉस्टिंग में नहीं आता रहे भाई डेप्रिसिएशन इज वन ऑफ द मेजर कॉस्ट फैक्ट्री का जो डेप्रिसिएशन है मशीनरी का डेप्रिसिएशन है इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन है फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है मेजर कॉस्ट है भाई वो कैश नॉन कैश में मत आप कंसिडर करो नॉन कैश पेमेंट अब दीपिका जी आप मुझे बताइए क्या आप अकाउंट्स में डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करते क्या ऑब्वियसली अकाउंट्स में भी करेंगे कॉस्टिंग में भी करेंगे okay. आपका कंफ्यूजन हो रहा है वो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट में वो अब तक मैंने डिस्कस ही नहीं किया नॉन कैश कैश वगैरह क्या है ठीक है वो कल का पूरा डिस्कशन है डेप्रिसिएशन hmm? आता है भाई चलिए तो आज कंक्लूड uh, कर रहा हूं फ्रेंड्स सबसे पहले हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी स्ट एबनॉर्मल है जो लगने ही वाला है वो नॉर्मल है जो नॉर्मली uh, नहीं लगता है वो एबनॉर्मल कॉस्ट है एबनॉर्मल कॉस्ट जाएगा आपका कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देन हमने डिस्कस किया कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कंट्रोलेबल कॉस्ट मैनेजर के एक्शन से कंट्रोल हो सकता है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट मैनेजर के एक्शन से कंट्रोल नहीं हो सकता है इसके बाद हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड एट फिक्स मटेरियल लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसिस फैक्ट्री ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये था आपका इसके बाद मैनेजरल डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करें प्री डिटर्मेंट कॉस्ट जो एडवांस में कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है प्रोडक्शन करने से पहले कॉस्ट किया जाता है वो प्री डिटर्मेंट कॉस्ट है मार्जिनल कॉस्ट एक एक्स्ट्रा यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए जो कॉस्ट एक्स्ट्रा लगता है वो आपका मार्जिनल कॉस्ट है मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट योर वेरिएबल कॉस्ट डिफरेंशियल कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन टू ऑप्शन डिफरेंशियल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट भी कंसिडर किया जाता है और फिक्स कॉस्ट भी कंसिडर किया जाता है संक कॉस्ट टेंपरली अगर आप फैक्ट्री बंद रखते हो तो भी जो कॉस्ट लगता है इट इज कॉल्ड एज अ संक कॉस्ट शटडाउन सॉरी संक कॉस्ट था क्या था फ्रेंड्स uh, ऑलरेडी जो कॉस्ट इनकर हो चुका था कॉस्ट क्या था ऑलरेडी जो कॉस्ट इनकर हो चुका था वो आपका संक कॉस्ट है एंड शटडाउन कॉस्ट क्या है टेम्पररीली फैक्ट्री अगर बंद रखते हो तो भी जो आपको खर्चा लगता है रेंट एक्सेट्रा वो आपका शटडाउन कॉस्ट

एब्सोल्युटली दिमाग में फिट हो गया आज के कंसेप्ट ठीक है uh, कल 8:15 को, uh, को हम लोग वापस से मिलेंगे ठीक है 8:15 को हम लोग वापस मिलेंगे वी आर गोइंग टू फिनिश दिस टॉपिक देन विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक ओके फ्रेंड्स चलिएगा अगर डाउट नहीं है तो आप साइन आउट कर दीजिएगा कोई इश्यू नहीं है अगर डाउट है तो डाउट पूछिएगा अदरवाइज लॉ का लेक्चर है ज टोल्ड यू फर्स्ट जनवरी से uh, आपको बुक्स uh, मिलना स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट जनवरी फर्स्ट जनवरी 2021 में बुक्स मिलना स्टार्ट होएगा चलो डाउट है तो पूछो अदरवाइज साइन आउट हो तो, लॉ का लेक्चर है सो so दैट uh, मुझे जल्दी कंप्लीट करना है एक दो मिनट ही बच गया है अरे डाउट है तो पूछिएगा मजा आ गया आज के लेक्चर में भले ही आज थेरी था भले आज थेरी था लेकिन uh, काफी इंटरक्टिव सेशन हुआ इमिजिएटली नौ बजे लॉ का uh, दस बजे लॉ का लेक्चर है ना टेन ओ क्लॉक फटाफट से अगर क्वेरी है तो पूछिएगा डाउट है तो पूछिएगा फटाफट इफ नॉट देन आई एम साइनिंग आउट डिस्क्रिप्शनरी कॉस रिपीट करो डिस्क्रिप्शनरी कॉस का मतलब क्या है जजमेंट पर डिपेंडेंट है पर्सन टू पर्सन पर यह डिपेंडेंट है ठीक है Uh, मुझे लगता है कि ये कॉस्ट लगना चाहिए किसी और को लगता है ये कॉस्ट नहीं लगना चाहिए मुझे लगता है एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए आपको लगता है एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए मुझे लगता है वर्कर को ट्रेनिंग देना चाहिए आपको लगता है वर्कर को ट्रेनिंग नहीं देना चाहिए uh, 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 मेरा बजट एक लाख रुपए का है एडवर्टाइजमेंट का आपका बजट दस लाख रुपए का है तो ये आपका डिस्क्रिप्शनरी कॉस्ट है नेक्स्ट आई होप ये आपको समझ में आ गया यस yes, न्यूमेरिकल है यस प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे ओके थैंक यू मस्त लेक्चर आज तो पूरा थियोरी था फिर भी इंटरेस्टिंग लगा थैंक यू क्लियर है ओके। फ्रेंड, अपने कंसेप्ट समझने के लिए एग्जाम्पल जरूरी है क्योंकि फ्रेंड देखो थियरी है रट्टा बाकी लोगों जैसा रट्टा मारेंगे तो मजा नहीं आएगा कंसेप्ट समझा तो आप लिख भी सकते हो आराम से <coughs> चलिएगा इज देर एनी डाउट अदरवाइज साइन आउट करते हैं। और फिर भी अगर डाउट है तो डोंट वरी एट ऑल आप व्हाट्सएप uh, कर सकते हो सेवन डबल एट सेवन सेवन डबल एट सेवन जीरो सिक्स नहीं हुआ ना अपना बाकी है ना फर्स्ट चैप्टर कहाँ कंप्लीट हुआ सर ये कितने कंस अभी बाकी रह गया आई थॉट आज हो जाएगा लेकिन uh, नहीं हुआ फर्स्ट चैप्टर बाकी है अभी भी नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे चलिएगा इजर एनी डाउट नो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा हो गया है ऑलमोस्ट नाइंटी फाइव परसेंट टॉपिक कंप्लीट हो गया है फिर हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे और मजा आएगा चलिए थैंक यू वेरी मच स्टे सेफ दस बजे आपका लॉ का लेक्चर है थैंक यू वेरी मच ऑल टेक केयर ऑल